कैसे गुड इवनिंग ऑल, थैंक वेबिनार फॉर कंपोस्टिंग इन हाउसिंग सोसाइटीज। आज हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो ग्राउंड रूल रहते हैं उसमें प्रेजेंटर इज अलाउड टू स्पीक फर्स्ट एंड अदर विल बी गिवन एट द एंड ऑफ द सेशन अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क इन चैट बॉक्स, जो हमारा MCHS का ग्रुप व्हाट्सएप है या सिस्को का चैट बॉक्स है, उसमें आप क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। अगर किसको ज्यादा पता है ही कैन आंसर ऑल्सो दैट क्वेरी। जब प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है उस टाइम पे ओनली स्पीकर का ऑडियो और वीडियो चलता रहेगा, बाकी सारे ऑडियो वीडियो म्यूट हो जाएंगे सो दैट एवरीवन कैन सी। सपोज किसी को मीटिंग ज्वाइन करते हुए कोई कंसर्न आ रहा है या आवाज की कोई दिक्कत आ रही है उस टाइम पे ही कैन क्विट द सेशन एंड ही कैन रिज्वाइन द मीटिंग। एंड फॉर रिज्वाइनिंग यू हैव टू यूज द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है तो आप MCHS ग्रुप में लिखो या चैट बॉक्स में लिखो ज्वाइनिंग का, या कोई भी ऑडियो आ रहा है यू कैन राइट डाउन द नेम ऑल्सो। एंड वन रिक्वेस्ट, वाइल आस्किंग द क्वेश्चन आप ग्रुप में जब पूछ रहे हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप आपका नाम लिखो, नाम के बाद सोसाइटी नेम लिखो सो दैट स्पीकर इज अवेयर हु इज आस्किंग क्वेश्चन। सपोज हम इस सेशन में जवाब नहीं दे पाए तो एट द एंड ऑफ सेशन और विल कॉल यू आफ्टर सेशन एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। गर्ग सर, ये आप स्लाइड में डाल दीजिए। मैंने स्लाइड ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जेवन जी, मैं निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सो अभी आप शेयर करो सर, आपका स्लाइड आ गया सर। एवरीवन कैन सी योर स्लाइड सर। ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी फॉर टुडेज वेबिनार। टुडेज प्रैक्टिस किसी का कुछ आवाज जा रहा पीछे, कंपोस्टिंग इन हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं कि गार्बेज टू गोल्ड कैसे बनाने का है। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रोग्राम के सभी एक्सपर्ट, सभी फैकल्टी जो हैं वो सोसाइटी के मेंबर हैं। मीन ये प्रोग्राम सोसाइटी के लोग, सोसाइटी के लोगों के लिए खुद प्रोग्राम बना के उनको मोटिवेट कर रहे हैं और आगे चल के क्या कैसे करना चाहिए वो बताने वाले हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहेंगे श्री सुहास पटवर्धन सर, जो कि चेयरमैन है पुणे डिस्ट्रिक्ट CHS फेडरेशन के, और वो साथ साथ में वाइस चेयरमैन भी हैं महाराष्ट्र स्टेट CHS फेडरेशन के। और कोऑपरेटिव सेक्टर से श्री नारायण अगर सर, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, श्री शाहराज हीरे सर, जो डिप्टी रजिस्ट्रार पुणे सिटी से ही। क्या हो गया, डिसेबल क्यों हो गया? देखना जितने डिसेबल। फिर डिसेबल हो गया। गर्ग हाँ, तुम नेट यूज कर रहे थे, थोड़ी देर नेट बंद करो ना। अच्छा, वो चल रहा है लगता सर। सर मैं वापस इसको लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये क्यों हो रहा है। अभी मैं फिर से इसको नहीं, वो सेम प्रॉब्लम आ गया उस दिन वाला ही। ओके नो प्रॉब्लम। तो क्या करता हूँ ये पीसीएमसी का ही कोई आदमी है। नो गर्ग सर, हाँ जी, व्हाट क्या ठीक है, मैं अपनी स्लाइड से डायरेक्ट करता हूँ। ओके हेलो, आप बोलो सर। गर्ग सर, यू कैन टॉक। हाँ सर, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, वी विल लिसन एंड लेटर ऑन मैं आपको मीटिंग से एक्सपेल कर देता हूँ, उसके बाद ज्वाइन कर लो सो दैट लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा। अभी लिंक से पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, आपको सुनाई दे रहा है ना सबको मेरा? यस सर, आवाज सुनाई दे रहा है, यू कैन स्टार्ट, डोंट वरी। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने महाराष्ट्र CHS एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, तो इसके अंदर हम सोसाइटी के अंदर की होने वाली सभी प्रॉब्लम को लेते हैं।
से हम लगभग 12 वेबिनार सक्सेसफुली कर चुके हैं जानने के लिए जून और जुलाई का महीना वो पूरी तरह से पैक है अभी हमारे पास, तो ये हम एक के बाद एक प्रोग्राम करते रहेंगे। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के जो पार्टिसिपेंट हैं वो शनिवार को 14th को ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में आए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 18th को होगा और इंटरनेशनल योगा डे 21st को होगा, तो सभी लोगों ने ज्वाइन करना है इसमें और हमने आगे इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है। तो हम एक डिस्क्लेमर है कि जो भी व्यूज़ हमारे प्रेजेंटर प्रेजेंट करते हैं वो उनके अपने व्यूज़ हैं, यही हमारा मोटो है कि सोसाइटीज़ के अंदर कंप्लायंस कैसे बढ़े, कल्चर हेल्थ हाइजीन और केयरिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारी सोसाइटी मैनेजमेंट में आ जाए, तो वो हमारा मेन ये है। तो मैं अभी दूसरी फाइल लेके ओपन गर्ग सर, समझ लो फाइल ओपन नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आप बोलते रहिए। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा अभी। एक मिनट मुझे देना, हो रहा है अभी मुझे लग रहा है। ओके जस्ट फाइल अपलोड हो रहा है। हाँ तो हम आज के विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये अभी सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। मैं जस्ट करता हूँ कि ये स्लाइड भी अप डाउन हो रहा है। अच्छा, ये स्वास्थ्य पटवर्धन जी ज्वाइन किए क्या, जरा देखेंगे? सर वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए है, मैं उनको फोन करता हूँ और ज्वाइन होने के लिए बोल देता हूँ। यू कैन स्टार्ट, वो जैसे ज्वाइन हो जाते हैं विल कॉल हिम अप, डोंट वरी सर। ओके सो जैसा कि मैं आज बात कर रहा था कि आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सोसाइटी के लोग ही सब मिलकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें आज पिंपले सुधागर, कसपटे बस्ती, वाकड़, यहाँ की सोसाइटी ने मिलकर के ये आज जॉइंट प्रोग्राम बनाया है। इन प्रोग्राम के जो हमारी फैकल्टी मेंबर हैं उनका मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर वैशाली गोरडे जो हैं, सी चेयरमैन ऑफ फ्लोरेंसिया एंड ट्रेजर हैं पिंपरी चिंचवड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की, और उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया है आज उसका वो हमारे सामने शेयर करेंगी। उसके बाद में सिद्धार्थ नायक सर जो हैं वो रोजलैंड रेजिडेंसी से हैं, जिन्होंने जब ये कंपोस्टिंग प्रोग्राम कि हम लोग बात कर रहे थे उन्हीं दिनों में शुरू शुरू में ही उन्होंने घर का कचरा घर में, मीन आपके हमारे घर के हमारे किचन के अंदर जो भी कचरा पैदा हो रहा है उसको वहीं कैसे कंपोस्ट किया जाए और कम्युनिटी लेवल पर कैसे किया जाए, उन्होंने बहुत सारी सोसाइटी में जाके प्रोग्राम किए थे। और कुछ साल पहले वो मेरी भी सोसाइटी में आए थे जिसको काफ़ी लोगों ने वो उसके स्वाति कोरडे मैडम और किरण वड़गामा सर ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया पूरे वाकड़ के लिए और एक एग्जांपल क्रिएट किया उन लोगों ने, और सक्सेसफुली लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर से वो लोग कर रहे हैं। और स्वाति कोरडे मैडम आज हमें पूरा बताएंगी कि उनका प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है,
और उन्होंने तो ऐसा हो गया कि ये सब्जेक्ट में जैसे पीएचडी कर लिया हो, इतना उनका अनुभव हो गया अभी। और उनका मैसेज इतना ज़्यादा फैल गया कि बाकी सोसाइटी भी मोटिवेट होकर उन्होंने काम करना चालू किया है। उसके बाद में होराइजन सोसाइटी है, जहाँ से सिद्धेश खेड़ेकर हैं, अनिल कुम्बार हैं और प्रेम कुमार जी हैं, जो आज इस प्रोग्राम में प्रेजेंट करेंगे। उनकी सोसाइटी ने भी ये गार्बेज कंपोस्टिंग काम काफ़ी समय से सक्सेसफुली किया है। और विशाल फिस्के सर हैं, जिन्होंने लैटिट्यूड के अंदर ये काम बड़े अच्छे से करके लिया है, उनका भी हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। और हमारे पास आज श्री अनिल रॉय सर, जो ये पूरी व्यवस्था देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इज ए हेल्थ ऑफिसर इन पीसीएमसी। सो वेलकम वेलकम सर अनिल रॉय सर, आप आज आप प्रोग्राम में हैं, तो मुझे लगता है कि इसके दो पार्ट रहेंगे कि लोगों की आपकी हमारे से क्या अपेक्षा है सोसाइटी से, चाहे वो उसका सॉर्टिंग हो, चाहे उसका जो है एक जगह इकट्ठा करना हो, या सोसाइटी के अंदर ही कंपोस्ट करना हो, और जहाँ पर ये नहीं हो पा रहा तो वहाँ पर हम आगे कैसे बढ़ते हैं और पीसीएमसी कैसे हैंडल करते हैं, वो भी हमें जानकारी आज मिलेगी इसके ऊपर। तो इसके साथ ही मैं अभी वैशाली मैडम को देता हूँ कि वो आगे का प्रोग्राम चालू करें। वैशाली गोडे मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और येट अनदर इंफॉर्मेशन सेशन फ्रॉम दी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर, और वो है कंपोस्टिंग इन हाउसिंग सोसाइटी। दिस व्हाई कंपोस्टिंग इन हाउसिंग सोसाइटी, बिकॉज दिस इज अ वेरी की इशू विच अफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, लाइक हाउ टू मैनेज द वेट वेस्ट एंड हाउ टू मेक सम रूल्स रिगार्डिंग, हम उसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं विद इन द सोसाइटी प्रिमाइसेस। सो बिफोर गेटिंग इन टू दैट, द डिटेल्स ऑफ वॉट द मैनेजमेंट कमिटीज रोल इज, हाउ सोसाइटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग दिस कम्पोस्ट, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट कम्पोस्ट इज एक्चुअली, तो देखते हैं। कंपोस्ट एक जो सिंपलेस्ट मुझे डेफिनेशन जो मिला था, दैट इज इट्स अ डिकेड मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सम डिकेड प्लांट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, विच वेन एडेड टू द सॉइल इट हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स, इट एड्स स्पेशल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। सो एक जो वेस्ट जो है, जो किसी के काम का नहीं है, उसको हम लोग कंपोस्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस वेस्ट को एक समथिंग विच इज यूजफुल, विच इज सेफ टू हैंडल। और ये कंपोस्ट करने की जो भी प्रक्रिया है, इट इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग, दैट इज ट्रीटिंग द सॉलिड वेस्ट विच इज द ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जिसमें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, फिर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो अ स्पेशल एनवायरनमेंट इज नीडेड फॉर दैट, एंड इट इज कन्वर्टेड इंटू अ कंपोस्ट, इंटू अ मटेरियल विच इज सेफ टू स्टोर, सेफ टू हैंडल, एंड विच इज ऑल्सो सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। सो दैट इज द रीजन वाई कंपोस्टिंग हैज इम्पोर्टेंस। सेकेंड थिंग, इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हाउस होल्ड वेस्ट। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड। जेवन सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ किया मैंने, मेरे यहाँ चेंज हो गया, ओके मेरे यहाँ चेंज हो गया। ओके, तो एक बार हमको अभी जब पता चल गया कि व्हाट इज कंपोस्ट और वो कैसे, कंपोस्टिंग का मतलब क्या है, तो व्हाट इज द थिंग्स विच प्रॉम्प्ट्स द मैनेजिंग कमिटी टू टेक द डिसीजन ऑन गोइंग फॉर मेकिंग अ कंपोस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जिससे हमको एक मैंडेट दिया था कि सेग्रीगेशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ द वेस्ट, इज मैंडेटरी एट द सोर्स, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। ओके, अभी ये गवर्नमेंट ने रूल किया है, ये सेंट्रल लॉ है जो हमको सबको, इट इज बाइंडिंग टू ऑल ऑफ अस, और उसमें कुछ क्राइटेरियाज भी सेट किए थे जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज को एक एक सर्टन कैटेगराइज किया था कि वी हैव टू प्रोसेस दिस वेट वेस्ट विद इन आर प्रिमाइसेस। ओके, ये जो वेट वेस्ट है, ये गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन उठा के नहीं लेकर जाएगी। अभी वो क्या कैटेगरीज है ये हमको डिटेल में बताएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल सारे डिटेल में बताएंगे डॉक्टर अनिल रॉय सर, जो आज हमारे यहाँ पे है गेस्ट करके, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी।
हमारा एज एन मैनेजिंग कमिटी हमारा डिसीजन किस पे आधारित है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. एक तो है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट एट द सोर्स. एट द सोर्स यानी क्या कि हर एक फ्लैट में हर एक इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ मैनेजिंग कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो मैनेजिंग कमिटी का रोल इसमें क्या आ गया कि वी आर द डिसीजन मेकर्स और जिसपे हमको ये सोचना है कि हम ये रूल्स कैसे इंफॉर्म करें लोगों को और कैसे ये इम्प्लीमेंट करें हमारे सोसाइटीज में. सिमिलरली इसमें जनरल बॉडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा क्योंकि अगर आप प्रोसेस कर रहे हो अपना वेट वेस्ट अपनी विद इन द सोसाइटी प्रीमाइसेस, देन यू आर गोइंग टू नीड सम इक्विपमेंट, सम मशीनरी जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसको मेंटेनेंस के लिए उसका पैसा लगेगा. इस डिसीजन में आपको जनरल बॉडी की अप्रूवल भी लगेगी. सो ये कलेक्टिवली जब आप डिसाइड करते हो कि हमको इस मेथड में जाना है या करना है, तभी आप ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे. नाउ वंस दिस डिसीजन हैज बीन मेड, व्हाट द कमिटी कैन डू, हाउ टू. बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि भाई हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये तो गवर्नमेंट ने तो रूल दे दिया लेकिन हमको आगे कैसे बढ़ना है ये पता नहीं चल रहा है. तब द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू इज, व्हाट द कमिटी कैन डू इज, वी हैव टू स्टडी आवर करंट प्रोसेस कि हम आज क्या कर रहे हैं हमारे वेस्ट के साथ, हम कैसे हैंडल कर रहे हैं उस वेस्ट को. उसको बोलते हैं गैप एनालिसिस. गैप एनालिसिस में हमको पता चलता है कि भाई अगर हम मिक्स वेस्ट आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, हाउस होल्ड से आ रहा है या हाउसकीपिंग स्टाफ से आ रहा है. अगर वो वेस्ट आ भी गया तो हम कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि क्यों वेस्ट मिक्स हो रहा है, तो क्या बिन्स अलग अलग आपने नहीं दिए. तो ये पूरा जो स्टडी है ये गैप एनालिसिस में करता है, हो जाता है. सिमिलरली इसमें हम एक और चीज भी देखते हैं जिसे बोलते हैं वेस्ट ऑडिट, यानी किस तरीके का वेस्ट हमारे सोसाइटी से, हमारे सोसाइटी के हाउस होल्ड में से जनरेट होता है. और वो है कि वेट वेस्ट कितना है, ड्राई कंपोनेंट कितना है, उसमें सैनिटरी या फिर रिजेक्ट वेस्ट कौन सा है जिससे कोई वैल्यू नहीं है. ये जब वेस्ट ऑडिट आता है तब हमको पता चलेगा कि हमको एक्चुअल में इस वेस्ट का करना क्या है. अब पीसीएमसी हमारा जो ड्राई वेस्ट है और सैनिटरी वेस्ट वो उठा के लेके जाती है. वी हैव द ऑप्शन ऑफ यू नो मेकिंग द डिसीजन ऑफ व्हाट वी डू विद द ड्राई वेस्ट. आर वी गोइंग टू सेल इट, आर वी गोइंग टू यू नो डोनेट इट, किसी और को दे रहे हैं, अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को दे रहे हैं या हम लोग पीसीएमसी को वो देने वाले हैं. आज के इस सेशन में हम लोग सैनिटरी और ड्राई वेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे. हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ वेट वेस्ट से, और ये वेट वेस्ट है आपका किचन का वेस्ट, जो हर एक फ्लैट में किचन से जो आता है फूड वेस्ट, उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. और यही वेस्ट है जो हमको हमारे प्रिमाइस के अंदर प्रोसेस करना होता है, जिसके लिए एक मेथड है कंपोस्टिंग. अभी ये जब स्टडी आपका हो जाएगा तब आपको इसका भी देखना है कि अगर मुझे कंपोस्टिंग करना है तो उसके कौन से अलग अलग मेथड्स है. बहुत सारे हैं, आप अगर नेट में जाओगे तो आपको पता चलेगा देर आर वेरियस मैकेनिकल मेथड्स, देर आर नॉन मैकेनिकल मेथड्स, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, जो मशीन पे चलते हैं या फिर जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है. तो आप लोगों को उस वेरियस मेथड्स को जानना है और वो सिलेक्ट ऑप्शन करना है जो आपके गैप एनालिसिस में, जो आपकी स्टडी में आपको पता चला कि मेरा क्वांटिटी कितना है वेट वेस्ट का, इसके लिए मुझे कौन सा सूटेबल ऑप्शन रहेगा, क्या हमारे सोसाइटी में स्पेस अवेलेबल है इस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हमारा बजट है या नहीं इसको. क्योंकि एवरी न्यू इक्विपमेंट, स्पेशली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं जिसमें कोई प्रोविजन दिया नहीं होता है बिल्डर ने, वहाँ पे आपको ये मशीनरी या इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं. तो आपको एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा उसके लिए, और उसका रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हो उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले पाओगे कि हमको किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल रहेगा. ये डिसीजन करने के लिए मैनेजिंग कमिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी वंस दिस डिसीजन हैज बीन मेड और वंस ये डेटा आपके पास आ गया, तो आप कैसे उस इक्विपमेंट्स को अरेंज करोगे. अगर आपके पास टूल्स ही नहीं होगा आप, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे. तो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अरेंज दोज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, दैट इज कलेक्शन के लिए आप सब जानते हो बिन्स रहते हैं जो कलर कोडेड है, रेड कलर, ग्रीन कलर. ग्रीन कलर इज फॉर द वेट वेस्ट एंड जनरल कोई भी कलर आप दे सकते हो ड्राई वेस्ट के लिए. फिर ट्रांसपोर्ट आप कैसे करते हो, जो कलेक्शन बिन्स में जो फ्लैट से कंपोस्ट प्लांट तक ये वेस्ट कैसे चला जाएगा, तो उसके लिए वेरियस ऑप्शंस है, ट्रॉलीज है, कार्ट्स है.
प्रोसेसिंग के लिए श्रेडर्स है, ओडब्ल्यूसीज है, बिन कंपोस्टर, कंपोस्टर्स, ये सारे जो मेथड्स है ये हमको सिद्धार्थ नाइक जी आपको बताएंगे कौन से डिफरेंट कंपोस्ट के पिट्स आते हैं, बिन कंपोस्टर कौन सा होता है, ओडब्ल्यूसी कौन सा होता है, ये आपको डिटेल में वो बता देंगे। लेकिन ये मेथड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए ये मशीनरी, ये इक्विपमेंट आपको अरेंज करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा तो आपका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम फॉलो नहीं होगा। सेकेंड इज, जब कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो वो स्टोर आप कैसे करोगे? वो स्टोर करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए, तो वो ड्रम्स, गनी बैग जैसे, और फिर सपोर्टिंग जो मशीनरी रहेगी वो, जैसे सीव है, सिफ्टिंग के लिए चाहिए, वो वेइंग के लिए वेइंग स्केल लगेगा, शोवल लगेगा, बकेट, एंड दिस ऑल थिंग्स जो है ये आप अरेंज करके दोगे तभी ये काम करेगी। अभी वंस दिस इक्विपमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड, तो बात रह जाती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है ट्रेनिंग की, कि इनको यूज़ कैसे करें। आपने सब लाकर दिया है, सब समझाया है, लेकिन अगर आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं है, अगर आपके रेसिडेंट्स को कुछ पता नहीं है कि कैसे सेग्रीगेट करें, या उस जो कोई भी आपने कंपोस्ट का ऑप्शन चुना है, ये मशीनरी का ऑप्शन चुना है या नॉन मशीन का बिन्स का ऑप्शन चुना है, तो उसको आप ऑपरेट कैसे करोगे? अगर आपने ये ट्रेनिंग उन लोगों को नहीं दिया तो ये काम नहीं करने वाला है। तो ट्रेनिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा अपना हाउसकीपिंग स्टाफ, बिकॉज इट हाउसकीपिंग स्टाफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वो देखेगा कि भाई ये जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है, यही आपके कंपोस्ट के पाइल में जाएगा, कोई उसमें कुछ सैनिटरी मिक्स नहीं है, उनको उसमें कोई पेपर या सॉरी प्लास्टिक्स एंड ऑल कुछ नहीं है। ये सब देखने के लिए आपको उनको जो आपका हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके ऑपरेटर को ट्रेन करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको सेग्रीगेशन की गाइडलाइंस जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। अब ये सेग्रीगेशन की गाइडलाइंस कैसे तैयार करते हैं? हमारे पीसीएमसी ने एक बहुत ही अच्छा 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेशन बोला है अपने को। एक है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट यानी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो हमने हमारी सोसाइटी में, जैसे फ्लोरेंशिया हाउसिंग सोसाइटी के मैं चेयरमैन हूँ, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके से वेस्ट का सेग्रीगेशन किया था। वो था ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट जिसमें सिर्फ किचन का वेस्ट आता है, और तीसरा कैटेगरी था सैनिटरी एंड रिजेक्ट वेस्ट, उसमें सारा जो हम विच इज नॉन वैल्यू एडिंग उसमें ऐड कर दिया था। अभी जो किचन का वेस्ट है, ओके, ये सारी वो कैसे मैनेज होगी, ये आपका पॉलिसी डिफाइन करता है। Every managing committee should first define its guidelines, कि हम क्या guidelines में कैसे करेंगे, और उस guidelines में आपको specifically mention करना होता है कि भाई इसमें ये चीज़ जाएगी segregation में, even in wet waste, I will just give you an example। जब segregation हम करते हैं तो wet waste में most of the time जो घरों में आप अगर देखोगे तो maids काम करती है, तो मेट्स को ये समझ में नहीं आता कि ड्राई वेस्ट क्या है, वेट वेस्ट क्या है, क्योंकि हम हमारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। तो उनको अगर हम बोलेंगे कि भाई प्याज या फिर लहसुन छिलो, तो उनके लिए लहसुन का छिलका हाथ को ड्राई है, तो वो समझते हैं कि वो सूखा है, तो ये विल पुट इट इन ड्राई वेस्ट। ओनली जो गीला गीला हाथ को लगेगा वो वेट वेस्ट में है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिफाइन करके देनी पड़ेगी। आपके मैनेजिंग कमिटी का ये काम है कि आप लोगों को ये सारे डिफाइन करके दो कि कौन सी चीज ड्राई में जाएगी और कौन सी चीज वेट वेस्ट में आएगी। और सिमिलरली सारा पूरा आपका जो कलेक्शन का शेड्यूल होता है, तो यूजुअली जो शेड्यूल हमारे यहाँ पे हम लोग करते हैं कि डेली वेस्ट जो है हमारा वो वेट वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट, ये हम डेली कलेक्ट करते हैं, और ओनली जो ड्राई वेस्ट है वो हम संडे के दिन करते हैं, तो मिक्स नहीं होता है। सैनिटरी वेस्ट हम डेली पीसीएमसी को हैंड ओवर करते हैं, वेट वेस्ट हमारा कंपोस्ट प्लांट में चला जाता है, और ड्राई वेस्ट सिर्फ संडे के दिन उसमें से जो कुछ भी रिसाइकलेबल मटेरियल होता है जिसको वैल्यू है वो हम हाउसकीपिंग स्टाफ को देते हैं, जो हाउसकीपिंग स्टाफ खुद वो बेचते। इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर देम, इट मोटिवेट्स देम टू डू मोर वर्क। तो हम लोग उसमें से, फ्लोरेंशिया सोसाइटी उसमें से कोई इनकम नहीं अर्न करती है। तो once you have defined this policy, what we have to do is we just have to implement it in our society. Implementation ke liye bhi aap responsibilities delegate kar sakte ho har ek bande ko, ki housekeeping ke liye aap ek incharge rakhiye, aap training ka ek incharge rakhiye, aur mostly training mein train the trainer ka module bahut kaam karta hai,
हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आर वेरी कीन टू प्रमोट कंपोस्टिंग बिकॉज इट वर्क्स वंडरफुल फॉर द एनवायरनमेंट, इट्स गुड फॉर आर एनवायरनमेंट एंड गुड फॉर आर फ्यूचर. तो वो लोग हमेशा सामने आएंगे, दे विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन यू नो मेकिंग द ट्रेनिंग मटेरियल्स. आपको इस पे इंटरनेट पे बहुत सारा यू नो प्लकार्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आईसी मटेरियल मिलेगा. यू ट्राई टू डिस्प्ले इट एवरीवेयर. एंड जो आपका जो की लोग है वो है बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज. दीज आर द पीपल हु विल रियली कोऑपरेट विथ यू, हेल्प यू इन स्प्रेडिंग द मैसेज एवरीवेयर इन द सोसाइटी. मेक होल्ड टेक होल्ड ऑफ दीज पीपल एंड इंफॉर्म देम, टेक ट्रेन देम, लेट देम ट्रेन अदर्स एंड हेल्प देम आउट. कभी कभी इम्प्लीमेंट करने के बाद यू मे फाइंड मैनी यू नो इशूज कि लोग यानी जेन्युइन इश्यूज होते हैं कि हम लोग वेट वेस्ट कैसे करें. हम लोग मतलब सबसे बड़ा इशू जब मैंने फेस किया था हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम लोगों ने प्लास्टिक बंद कर दिया था पूरा. वी यू नो इशूड अ नोटिस दैट द वेट वेस्ट शुड बी कलेक्टेड डायरेक्टली इन द बिन, देर शुड बी नो लाइनिंग, प्लास्टिक लाइनिंग नहीं होना चाहिए कुछ नहीं. तो अभी इससे हुआ क्या कि वी मेड इट मैंडेटरी, वी मेड इट कंपलसरी, पीपल स्टार्टेड पुटिंग इट. इनिशियली तो किया, लेकिन जो लोग काम पे जाते हैं सुबह तो उनका बिन दिन भर बाहर रहता है एंड बाय द टाइम दे कम होम वो सारा जो वेट वेस्ट है वो बिन को स्टिक हो जाता है एंड दिस पीपल यू एंड इट ऑल्सो स्टिंक्स. तो उनका एक जेन्युइन इशू था कि हम लोग ये दिन भर ऐसा खुला कैसे रखें और हम साफ कैसे करें. तो ऐसे में ना हमारा जो सीनियर सिटीजन्स है उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया था एंड द सीनियर सिटीजन्स एक्चुअली दे हेल्प्ड अस आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करें. तो उन्होंने एक सोल्यूशन हमको दिया था कि हम लोग जो किचन का जो गीला अनकुक्ड फूड जो रहता है, जो एक्चुअली दैट इज व्हाट स्टिंक्स अ लॉट, उसको हम एक टिफिन में या एक डब्बे में कलेक्ट करें और वो ढाँक के रखें ताकि ये धोने के लिए भी आसान हो, ये बिन खुला ना रहे. जब वो मेड आती है, जब वो हाउसकीपिंग स्टाफ आता है, आप उसको एम्प्टी कर देते हो और एम्प्टी करने के बाद वो डब्बा को ढक्कन लगा के दे दो और वो घर में आपकी मेड उसको धो देगी. तो बिन साफ करने का आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो ऐसे जो सोल्यूशंस हैं आपको लोगों से ही मिलेंगे जब आप लोगों को बात करेंगे, उनको जब समझाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द इशू इज इन नॉन कम्प्लायंस, क्योंकि नॉन कम्प्लायंस रहने वाला है. देर आर गोइंग टू बी मेनी प्रॉब्लम्स वेन यू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स इन योर सोसाइटी. डूज एंड डोंट्स जो सोसाइटी की होती है, जो क्या डालना है क्या नहीं, वेट वेस्ट में क्या जाएगा, वेट वेस्ट में क्या नहीं जाएगा या ड्राई वेस्ट में क्या जाएगा, ये आपकी बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए आपके गाइडलाइंस में. इससे लोगों को पता चलता है कि इट्स अ रेडी रेकनर. ओके कि अच्छा मैं कंफ्यूजन जहाँ पे होगा दे कैन इमीडिएटली गो एंड सी के ओके ये दिस इज नॉट टू बी डन सो आई विल नॉट डू दिस. और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई नहीं हुआ, मतलब वेस्ट हमारा उठा के नहीं ले गए हैं या फिर कोई गलती हो गई तो किसको कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि गलती होने वाली है. समटाइम्स पीपल आर गोइंग टू मिक्स दैट वे, देन वॉट टू डू. सो एट दैट टाइम दे शुड हैव द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. सो ऑल दिस थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी. And once this waste management policy is defined and agreed by all the managing committee members, then you are free to implement it in your society. Or implement करने के लिए you can, you know, जैसे हमने किया था, हमने एक program 26 जनवरी का occasion देखकर सभी लोगों को इन्वॉल्व करके ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें हमने लोगों को पूरा सेग्रीगेशन गाइडलाइन समझा के दिया था कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो. हमने उनके सारे सजेशंस भी लिए थे वेरी एंड पीसीएमसी हेल्थ ऑफिशियल्स को भी बुलाया था ताकि वो लोगों को समझाए कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर अस एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू फॉलो. तो इस तरीके से हम लोगों ने एक फ्लोरेंशिया हाउसिंग सोसाइटीज में वेस्ट मैनेजमेंट करने की कोशिश की थी एंड 26 जनवरी 2019 को हमने ये इम्प्लीमेंट किया था एंड वी आर रनिंग इट वेरी नाइसली टिल डेट. अभी भी हमारे यहाँ पे कंपोस्ट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. अभी दिस इज माय सोसाइटी फ्लोरेंशिया हाउसिंग सोसाइटी एंड ये हमारी गाइडलाइंस है जहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है. सर आगे लेंगे जग सर.
ले लिया मैडम, ले लिया, उन्होंने ले लिया। हाँ ओके, तो ये हमारी गाइडलाइंस है, फेस सेग्रीगेशन गाइडलाइंस। ये आपको, आप अगर देखोगे तो इसमें पूरी तरह से, ये मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया है, ग्रीन बिन में क्या जाता है, रियूजेबल बिन में क्या जाएगा और रेड बिन में क्या आता है, ये सारा दिया था। ई वेस्ट वगैरह सब मेंशनड है। कैसे कलेक्ट करेंगे उसका शेड्यूल हम लोग वंस इन अ मंथ या वंस इन 15 डेज ऐसे रखते हैं। एंड नेक्स्ट, दिस इज आर कंपोस्ट प्लांट। ये फूड वेस्ट कंपोस्टर है। दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें से हम लोग सारा जो फूड वेस्ट आता है, ओके, वो हम लोग, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन बिन के यहाँ पे, वहाँ से इनलेट से वो सारा फूड वेस्ट जाता है अंदर। देन वी डोंट हैव टू लुक एट इट। हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ का काम या फिर जो भी ओडब्ल्यूसी ऑपरेटर है उसका काम सिर्फ इतना है कि जो सेग्रीगेटेड वेट वेस्ट है वो इस मशीन के अंदर डाले। बाद का काम सारा ये मशीन करती है। इट रोटेट्स और ये पीछे के बाहर पीछे के साइड में प्लांट को एक आउटलेट है जहाँ से वो कंपोस्ट रेडी होके आता है। ये मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें क्योरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आमतौर पे पड़ती है, क्योंकि जब कंपोस्ट आता है तो उसको हमको कुछ 15 दिन तक रखना पड़ता है रैक्स पे या ट्रेस पे ताकि वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। लेकिन इस मशीन में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें वो ऑटोमेटिकली होके बाहर आता है। और दीज आर द अदर ट्रॉलीज एंड बिन्स दैट वी यूज। और उसके बाद ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे जो एरिया चैंपियन है सोसाइटी के, श्री चेतन श्री राव, वो पीसीएमसी के हेल्थ ऑफिशियल्स को सबको एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे इस मशीन को हम ऑपरेट करें, किस तरीके से कंपोस्ट बाहर आता है। तो उसके कुछ स्नैप्स दिए थे मैंने। एंड वंस एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली दिस इज हाउ वी गेट द कंपोस्ट। ये एंड प्रोडक्ट है कंपोस्ट। हम लोग आज ऑन एन एवरेज 400 to 500 kg कंपोस्ट हमारा आता है एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। हम लोग ये सेल भी करते हैं इसका। देर आर मेनी वेंडर्स हु कम, दे टेक सम सैम्पल ऑफ दिस कंपोस्ट और वो उसका क्वालिटी अच्छा है तो वो आके बल्क में लेकर जाते हैं। अभी कल भी हम लोगों ने 500 kg तक का कंपोस्ट सेल किया है। एंड ये एक होलिस्टिक सिस्टम हमारे लिए है। दिस हैज वर्क्ड वेरी वंडरफुली इन आर सोसाइटी और इसमें कंट्रीब्यूशन सभी लोगों का है, राइट फ्रॉम द स्टाफ, एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, द मैनेजिंग कमिटी एंड एवरी वन। इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव हेल्प्ड अस अ लॉट बिकॉज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड आवर एफर्ट्स और हमको हर बार उनका गाइडेंस मिलता है। स्पेशली श्री शशिकांत मौर्य जी है, श्री अनिल रॉय सर है, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड अस ऑन दीज थिंग्स। सो दिस इज हाउ फ्लोरेंशिया सोसाइटी मैनेजेस इट्स कंपोस्ट। एंड इट्स इफ यू दिस इज दैट्स ऑल। थैंक यू। क्यों वैशाली जी, सिद्धार्थ नायक जी, मैं आप जरा रेडी रहिएगा, अभी मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री सुहास पटवर्धन जी। आप सब जानते हैं कि वो चेयरमैन हैं पूना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के, साथ साथ में वो वाइस चेयरमैन हैं जो स्टेट लेवल पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन उसके चेयरमैन हैं, और कोऑपरेटिव मूवमेंट के एक बहुत ही बड़े शख्सियत हैं जिन्होंने पुणे से लेके महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत अच्छे ढंग से आगे लेके गए हैं, और उनका हमें मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। ही इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू अस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री सुहास पटवर्धन जी आज आप हमारे इन ऑडियंस को आप प्लीज एड्रेस कीजिए। सुहास पटवर्धन सर। सर वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए।
आई थिंक ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। सुहास सर के नेटवर्क कनेक्शन में कंसर्न है, तो उसके वजह से ऐसे हो रहा है। हम ज्वाइन करने का ट्राई भी कर रहे थे सर को, और सर जो वाईफाई है उसके नजदीक जाएंगे आप ओपन एरिया में जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं मेरा आज थर्सडे है ना, तो हमारे इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी आया सर आवाज, आ क्लियर आपका, बोलिए सर। अभी आवाज आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। मैं गलत से सर सुनाई नहीं दे रहा मुझे लग रहा है थोड़ा एक बार। सर आप थोड़ा सा ओपन में जाएंगे तो ओपन में जाएंगे अगर मोबाइल से हैं, और अगर लैपटॉप पे हैं तो आप वाईफाई के नजदीक जाएंगे तो हो जाएगा सर। हाँ नहीं मैं मोबाइल पे हूँ लेकिन मैं ओपन में आया हूँ। आपको आ रहा है मेरा आवाज? अभी तो आ रहा है सर। यस अभी आ रहा है। यस सर आ रहा है सर। अगर हो सके तो सर वीडियो भी ऑन कर लीजिए आप। गर्ग सर आई थिंक मैं सर से बात कर लेता हूँ। मैं मोबाइल पे कनेक्ट करने के लिए बोलता हूँ सर को, तब तक हम गर्ग सर को ले लेंगे, ठीक है? किसको लेंगे? सिद्धार्थ सर नेक्स्ट। सिद्धार्थ सर हाँ सर, सर अरेंजमेंट करता हूँ सर। थैंक यू। सिद्धार्थ सर प्लीज। या हाय, सुनाई दे रहा है आवाज आपका? एकदम क्लियर है सर साउंड। ओके ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय नेम इज सिद्धार्थ नाइक फ्रॉम रोजलैंड एजेंसी। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट इन ब्रीफ अबाउट होम कंपोस्टिंग एंड देन आई विल टॉक अबाउट कम्युनिटी कंपोस्टिंग। सो होम कंपोस्टिंग में वंस यू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग योर वेस्ट एट सोर्स, होम कंपोस्टिंग इज वेरी सिंपल एंड यू कैन स्टार्ट कंपोस्टिंग योर किचन वेस्ट और योर ऑर्गेनिक वेस्ट। एंड दिस किचन वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इट इज एक्चुअली 60-70% ऑफ आवर टोटल वेस्ट जनरेटेड एट होम। सो इफ वी आर एबल टू मैनेज दिस वेस्ट विद इन एट आवर होम थ्रू होम कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग एट इंडिविजुअल लेवल और एट अ कम्युनिटी लेवल सोसाइटी लेवल, देन वी आर टेकिंग मेजर we are solving major problem of the waste management. So this home composting is you know very simple process. Initially even community composting, it is the same process. It is an extension of home composting, just that home composting you are doing it for one family, your family, whereas the community composting you are doing it for the whole community. So home composting, there are some ready-made kits available like Daily Dump Khamba, which you can see on the left-hand side. There are some kits which are you know available even on Amazon or the other online sites from Stone Soup and other companies. Inora is also in Pune. They are providing kits, or you can create your own do-it-yourself. Kits which you can see on the right hand side, like you can take a simple plastic bucket, one or two buckets, make holes on the sides and you know and then start composting. Or you can take this earthen pots which we use to store water during summer, you can just make some holes and start doing composting. So once you have segregated your kitchen waste, you need cocopeat, which is the best material or an agent to do composting, because it helps to absorb moisture as well as you know control the moisture content and the balance, and it is a smooth composting process.
and you need the compost culture or the bacteria or the culture which is required to start the composting process. So for composting, as I said, either you can go for ready-made kits like Daily Dum Kamba or this plastic kits, which are available from 1,500, 2,000 to 3,000, and or you can start with your own do-it-yourself kit. Like you can just take a plastic bucket or earthen pots and do the composting. So composting here is a very simple process. Initially, 1 or 2 months, first 1 or 2 cycles, you might have faced some difficulty. It is similar to cooking. Our first 1 or 2 dishes might go wrong, but as and when we learn, it will be a smooth process. So it does not take much time, hardly 5 minutes daily. Just put the waste, put the cocopeat culture, and the composting process starts naturally. The preferred composting method, there are two major methods. One is aerobic composting, where you require mostly aeration or moisture control and aeration, and the culture and the proper balance of the content of the greens and the browns and the kitchen waste. And the other method is vermicomposting, which is a little bit high maintenance method, where you need to get the worms and control and take care of that. Whereas aerobic composting is very simple, and anyone can start and do the composting at individual level. So to make it more smooth, you can also keep neem powder at home, which will help to keep the compost healthy and make sure your composting process is very smooth. So this cycle typically takes 30 to 45 days. Initially, 1 or 2 weeks, the compost process will start and the organic content will start reducing in volume. And in 30, 45 days, you will get the compost, which you can see on the left-hand side. So this is about individual composting or composting at an individual, at your home level. The same thing is extended and taken at a community level or a housing society level, where instead of doing composting of a, let's say, at an individual level, on an average, a family of 3 to 4 will generate a wet waste of around 700 to 1 kgs. And if you extend it to, let's say, a society of 200 members, then approximate waste would be around 700 grams, so around 140, 150 kgs per day. So even in community composting, there are some ready-made solutions available, like Daily Dump Aga. Then there are some drum-based composters which are available. Then there is another FRP bins which are available. So these are all ready-made kits which are a bit heavy on capex, like you need to invest, or you can go for the low-cost solutions, which are either you can make cement-based peats, or you can make bins from fabricated bins, which you can use for composting. So if you compare the ready-made kits or the ready-made solutions versus the composting pits or the bins, those are less costly, less maintenance. Both are low maintenance, but the initial capex or the investment required in the bins or compost pits is very, very low. So so depending upon your budget and how you want to go for the solution, you can either do using fabricated bins, or you can do using compost pits, or you can go for this ready-made solutions. So the process is same. Again, I said there are two main methods: vermicomposting and aerobic composting. Mostly preferred is aerobic composting, because vermicomposting requires knowledge on vermicomposting, but there are people or societies doing vermicomposting. But aerobic composting is very simple. You can start on your own, and then you can also train your housekeeping staff to do this composting on a day-to-day basis.
So there are two, as I said, the composting process is take the wet waste, you put cocopeat or, you know, even if you are doing at community composting level, community level, you can take your leaf waste, crush it, use that powder along with cocopeat to reduce the cost, and you use culture to do the composting. Now, there are two models which you can, you know, start with at the community level. You can take services of a reputed agency or reliable agency in your area and take their help. And maybe, you know, the one option is to go with them on a monthly basis and continue taking their services so that they will do composting for you. Like they will depute some one or two persons. They will help you. You will invest in the actual, you will invest in the initial infrastructure, and then they will come and start the composting process. And on a monthly basis or a daily basis, they will come and do the composting and manage the composting process for your society. Or the other model is you can start on your own as a pilot for, let's say, one building, see how it goes, and then extend it to all your buildings or the entire housing society. The other model is you can bring this agency, do it for 2-3 months. During that 2-3 months, you can get your housekeeping staff trained, and then you can tell the agency, you know, that once your housekeeping staff is trained, then you can continue, you know, on your own. So I think the best model is, if you don't want to take a risk, then, you know, get the services of agency, get them, do it for 2-3 months, and during that 2-3 months, you train your housekeeping staff. So I think, because the housekeeping staff, if they are trained to do this community composting, they will also get motivated, and you don't have to invest in additional staff or additional services or external agency. So the housekeeping staff itself will collect the waste and then, you know, take it to the composting plant and do the composting. So here also, this aerobic composting process typically takes 30 to 45 days, and you get the compost, you know, available ready after 30, 45 days. So I think that is about community composting and, you know, home composting. There are a lot of videos available, help is available on the internet, and there are a lot of case studies on different community composting models also, which are available. And you can study and select which is a good or right fit for your community or housing society. As I said, either you can take services of your agency, or you can do some study on your own and start a pilot project and then extend, because it's not something rocket science. It is very easy. So it will take maybe 1 or 2 months to get everything in place. And for small societies like 100 members, 200 members, it is very easy. Like we have seen societies in our area and in many places where societies as big as 800, 1,000, 2,000 members are doing it successfully. So if the bigger societies are able to do, then smaller societies should not have any problem. And I think the smaller societies, and it does not require that much of space. And these compost can also be used either by your society residents, or you can use it for your society garden, or you can sell it to any local vendors or farmers who are required. So this will help us to reduce sending the waste to our garbage, you know, dumps, because the dumps are already overflowing and they are full. And it will also help our make our soil rich, and we will get safe food back to us. Because currently the soil is very, very polluted. So this is like giving back to the nature and moving towards circular economy. So that's all from my side. Maybe we can take questions at the end. Thank you, Siddharthji. Aapne bahut badhiya se explain kiya hai. Aur mujhe malum hai ki composting word maine aapse sabse pehli baar sikha tha जब आप ईडन टावर में एक बार आए थे हमारे यहाँ पर, तो और आपके कई इन्फ्लुएंस हुआ सोसाइटी में, काफ़ी लोगों ने अपने घर के ऊपर होम कंपोस्टिंग करना चालू किया, और हमने बाद में सोसाइटी लेवल पर भी किया।
उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि श्री स्वास्थ्य वर्धन जी प्रोग्राम में शामिल है और हमारे साथ में है अभी, परंतु उनका जो ऑडियो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि उनकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण वो नहीं हमसे बात कर पा रहे हैं, बट उनकी तरफ से कि ऊना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन जो है वो उनका जो है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए पूरा सपोर्ट है और वो हमेशा वो कभी भी जब भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं और वो खुद भी इस प्रकार के बहुत सारे वेबिनार प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कि हम कर रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर है, ट्री प्लांटेशन है, 101 मेंटेनेंस रिकवरी है। तो मैं पूरे ग्रुप के सदस्यों को स्वास्थ्य पटवर्धन जी की तरफ से जो बेस्ट विशेज हमें मिली हैं मैं आप सबको देता हूँ और उनका उन्होंने हमसे बोला है कि उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए बहुत बहुत बधाई भेजी है। थैंक यू। ओवर टू नाउ नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर प्रेम कुमार फ्रॉम होराइजन सोसाइटी टू टेक ऑन। ओके थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग अस टू शेयर फ्यू डिटेल्स अराउंड द कंपोस्टिंग वी डू विद इन होराइजन सोसाइटी। सो बहुत सारी चीजें अबाउट यू नो व्हाट इज कंपोस्टिंग एंड वेस्ट कौन से तरीके का होता है ऑलरेडी कवर हो चुका है तो मैं उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट विद इन होराइजन सोसाइटी हम लोग कैसे कंपोस्टिंग कर रहे हैं वो मैं सिर्फ बता देता हूँ। सो सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो होराइजन सोसाइटी 240 यूनिट्स की सोसाइटी है जिसमें राउंड अबाउट 231 फ्लैट्स और 9 शॉप्स है। हमारे 6 टावर हैं और 6 टावर एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो एज ऑफ नाउ वी आर 5 टावर सोसाइटी। द मशीनरी वी यूज फॉर कंपोस्टिंग हमारे यहाँ अर्थ केयर का मशीनरी है विच इज सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी। अप्रॉक्सीमेट गार्बेज कलेक्शन विद इन आर सोसाइटी हैपन्स एट राउंड इज राउंड अबाउट 100 kgs स्पेसिफिकली ऑन वीकेंड्स एंड वीक डेज में थोड़ा कम होता है। ये पर्टिकुलर मशीनरी जो हम यूज करते हैं इसका कैपेसिटी राउंड अबाउट 350 kgs ऑफ वेस्ट का है। ये ऑपरेट होती है 24/7। दिस इज वर्कड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज अभी सिद्धार्थ सर ने बोला कि काफ़ी सारे मशीनरी होते हैं कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ विथ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा विथ इलेक्ट्रिसिटी है बट इट कंज्यूम्स वेरी मिनिमल इलेक्ट्रिसिटी राउंड अबाउट 20 यूनिट्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इन अ मंथ। करंट आउटपुट हमारा अराउंड 30 kgs ऑफ कंपोस्ट पर डे आता है। कैपेसिटी ये मशीन का टू आउटपुट गिविंग आउटपुट इज अराउंड 200 kgs डिपेंड ऑन द इनपुट गार्बेज गोइंग इनटू इट। करंट ऑपरेशनल कॉस्ट हमारा थोड़ा हायर साइड पे है एज कंपेयर्ड बट देयर आर मेजर्स ऑलरेडी वी हैव टेकन विच विल रिड्यूस दिस कॉस्ट। तो करंटली वर्कर्स वी हैव टू people who are working specifically on the OWC plant because it's said that overall composting process ya OWC unit jab aap dalte ho the major task or the major effort goes in educating people to segregate waste because segregation at source wo bahut important hai because agar aap segregation source pe nahi karte ho to you have to depute somebody to actually do that segregation and that itself is a very tedious hazardous and a risky job jiske liye then society has to pay on the higher side. So our current cost if you say is around about 22k per month but the measures which we are planning to take of educating people we have already started that from our side
educating people to segregate at source will reduce this to half or lesser than that. Sir, next slide. The current process जो हमारे यहाँ हम follow करते हैं वो as I mentioned around 100 kgs of garbage आता है जिसको segregation के बाद around 70 kgs wet waste आता है जो processing unit में जाता है. We have to mix for drying the waste. हम round about sawdust mix करते हैं 25 kg which is around 30% of what wet waste we have. और हम culture या chemical जो है वो mix करते हैं just to start the composting process around 100 grams. So the process follows as we do the garbage collection from door to door, which initially was done mixed and then the segregation used to happen. Abhi, as of now, it's like we are collecting it segregated, but phir bhi education is required and it will take some time, but we'll soon be there. After the segregation happens, the wet waste को हम crushing करते हैं actually to ensure कि वो composting process smooth हो और जो output आपका हो थोड़ा refined आए. Then as I said कि sawdust और chemical culture उसमें mix होता है and finally input goes into the unit which is your composting unit. Sir, next slide. This is the layout of the unit. This is the old layout, I would say, जो open में था, because as I mentioned earlier, 6 tower जो हमारे building का बनना है, वो अब construction चालू हो गया है उसका, और ये OWC unit has been shifted into a closed room. It is because of this COVID situation and all, अभी operational नहीं है, but targeting to operate or make it operational by end of June. बट मैं सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो यूट्यूब लिंक अगर आप चालू करोगे इफ़ यू कैन प्ले दैट विल गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ओडब्ल्यूसी यूनिट इज वर्क्ड विद इन होराइजन सोसाइटी. अनफॉर्चुनेटली ये लिंक अभी नहीं काम कर रहा है. नहीं सर, आप अगर उसको ब्राउजर में डालोगे कि शायद ये प्रेजेंटेशन मोड या पीडीएफ है इसलिए नहीं चल रहा है. अगर आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके ब्राउजर में डालोगे तो चलेगा इन केस इट्स पॉसिबल. जेवन जी, आप ट्राई करेंगे जरा इसको ये यूट्यूब वाले को. आई विल डू दैट. या पिक्टोरियल जो प्रोसेस डायग्राम दिखाया वो रियली रियली बहुत बढ़िया है कि कितनी स्टेजेज से जाकर के कंपोस्टिंग होता है. इट इज नॉट जस्ट कलेक्टिंग एंड कंपोस्टिंग, इट हैज टू गो थ्रू सेवरल स्टेप्स. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यस. जब तक ये लिंक चालू होता है तो कुछ सोसाइटी ने एक बार प्रॉब्लम एक्सप्रेस किया था कि उनका जो कंपोस्ट है वो उनको वो उठाने के लिए कोई भी वेंडर नहीं मिल रहा है. अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि एमसीडीसी के जो बहुत सारे फार्मर ग्रुप हैं उनके साथ में हम बड़े अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं. तो आप जो भी कंपोस्ट है उसका हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए एंड विल इंश्योर कि वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो है एक रीजन से कुछ सोसाइटी को क्लब करके उसको कलेक्ट करने का अरेंजमेंट किया जाएगा एंड इट मे जनरेट सम इनकम टू द सोसाइटी आल्सो. सो दैट प्रॉब्लम वी कैन हैंडल वेरी वेल नाउ. वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू फार्मर ग्रुप ऑन दिस सब्जेक्ट.
because when they bring the vegetable, so the truck will be full. When it goes back, probably during the return journey, and to save the cost of the transportation, it can be used that they will collect. Only some weighing management arrangement should be there. See how much you know we are selling to them. तो मैंने लिंक चैट ग्रुप में भी डाला है, अगर वहां से प्ले होता है तो ओके मैं लेता हूं सर, मैं अल्टी अरे सर बहुत ही बढ़िया है, इसको शेयर कैसे करूं। जब सर मैं शेयर कर दूं? हाँ ये कर दीजिए। Is it visible? Yes, visible. Yes, yes. Should I play it then? Yes, thank you, Vishal sir. Welcome. ठीक है सर, थैंक यू ओके Yes, Gar sir, thank you. Any questions मैं फिर last में लेता हूँ. Yeah, thank you. You can share your screen, sir. Then sir, you can share your screen. I think. गर सर का था स्क्रीन ओके Yeah, thank you. Garg sir. Give me a minute. Yes. Yeah, okay. Yes. एक ही मिनट में हो जाएगा. बहुत अच्छा काम किया हॉरिजॉन सोसाइटी ने.
और आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस वीडियो ऑल सोसाइटीज विल गेट इंस्पायर्ड रियली गुड वर्क बाय हॉरिजॉन सोसाइटी थैंक यू सर यूट्यूब के ऊपर बहुत ही फैंटास्टिक चल रहा है मे बी हम आज को ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे सो दैट एवरीवन कैन सी इट ओह माय गॉड ये लिंक अभी काम नहीं कर रहा है लेट इट यू नो प्रॉब्लम विशाल सर नेक्स्ट विशाल सर का ही है ना गर्ग सर यस यस का इनका आना चाहिए ना सॉरी पलाश का है एक मिनट मैं इसको लेता हूँ जरा जस्ट दीजिए एक मिनट मैं इनको डिलीट करता हूँ ये सब हो जाएंगे मैं जस्ट एक एक करके रिमूव कर रहा हूँ अभी मैं प्रेस करता हूँ प्लस का प्लस टीम स्वाति मैम यस हेलो यस आई एम रेडी कैन यू सी मी नो मैडम ओके बट कैन यू हियर मी या वी कैन ऑल राइट सो गुड इवनिंग एवरीवन वी एट वी पलाश टीम फ्रॉम आवर टीम वी से नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड या प्लीज डोंट मूव द स्लाइड टिल आई टेल यू ओके लेट इट बी हियर या दिस इज द सेकंड स्लाइड Palash, like all other societies, we also have a team who really works very hard. I'm very proud to say we have people like Subedar Kaka, Ms. Pradnya Alate, and of course, Kiran Vadgama sir, ho to koi matlab problem nahi hoti, aise nahi, par jo unsolved nahi rehti problem, uski guarantee hoti. So, humare yahan, abhi mere saath Subedar Kaka yahan hai. तो हम उनसे सुनते हैं थोड़ी बातें पलाश के जो हमने स्पेशली कोविड सिचुएशन में पलाश सोसाइटी में कंपोस्ट के बारे में क्या किया था तो प्लीज सेकंड स्लाइड प्लीज मैं सुबेदार काका के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ यू नो ऑल सोशल वर्किंग एंड इको फ्रेंडली एक्टिविटीज इन पलाश ही इज रेडी टू हेल्प एनीवन एनी टाइम एंड आई एम श्योर एवरी सोसाइटी हैज You know, they are blessed if you have people like him in the society. He has initiated various awareness programs. In fact, you know, I remember once he had one community Haldi Kumkum just because I had expressed my concern to Subedar Kaka ki bahut jyada Haldi Kumkum ke baad disposable plates aur iska kafi trash ikattha ho jata hai. So, unhone bola ki theek hai, hum community Haldi Kumkum karte hain. तो वो हमने किया और उन्होंने लोगों को भी गणपति जयंती गणेश जयंती के दिन ही इनवाइटेड इवन मेन और सबके हाथ में एक रीयूजेबल बैग देके सबको मैसेज दिया था कि प्लास्टिक बैग यूज ना करें ये 3 साल पहले की बात है तो तब से और इसके पहले भी और अभी भी वो काम करते जा रहे हैं तो मैं सुबेदार काका को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे सोसाइटी के जो कंपोस्टिंग मेथड है उसके बारे में थोड़ा सा लेटेस्ट अभी तक जो कोविड सिचुएशन में हुआ था उसके बारे में वो थोड़ा बताएंगे काका सुबेदार काका थोड़ा माइक के नजदीक जाइए आवाज थोड़ा सा दूर से आ रहा है अगर फोन पे तो फोन को थोड़ा नजदीक लीजिए हाँ जी हाँ, बोला तुम
बोला हाँ ठीक ना कचरे सेग्रीगेशन कैसे त्याबद्दल हाउस किपिंगच्या स्टाफला सुद्धा वेळोवेळी आम्ही ट्रेनिंग देतो आणि बॅग मधून कचरा गोळा करताना त्यानंतर कचरा ओला कचरा करा अरे छोट्या कंपोस्टिंगसाठी सुकी पानं कोकोपीट व कल्चर वापरून आम्ही खताची प्रक्रिया चालू करतो. या सर्व गोष्टीला 30 ते 35 दिवस लागतात. या सर्व गोष्टीसाठी श्रीमत स्वाती कोर्टे हे आम्हाला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने खत कसे तयार करावे याबद्दल मार्गदर्शन करतात. तयार खत सोसायटीमधील झाडांना फ्लॅट धारकांना त्यांच्या गरजेनुसार देण्यात येते. याशिवाय उरलेले खत गरजू शेतकऱ्यांना मोफत देणे. लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा हा प्रकल्प चालू होता. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी धान्य व रोख रक्कम पगाराच्या व्यतिरिक्त देण्यात आली. याशिवाय सुक्या कचऱ्याचे सुद्धा सेग्रिगेशन करणे हे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ पुठ्ठा बाटल्या प्लॅस्टिक लोखंड इत्यादी गोष्टी हे विकून आम्ही हाऊसकीपिंगच्या स्टाफला सर्वांना पैसे वाढतो. लॉकडाऊनच्या काळात मॅनेजमेंटद्वारे भाजी धान्य बेकरी पदार्थ सुद्धा विकण्यासाठी सोसायटी देत होते. भाजी शेतकऱ्याकडून डायरेक्ट विकत घेत असल्यामुळे त्यांना सुद्धा खत विनामूल्य देण्यात आले. पलाश सोसायटी 2 वर्ष 2 पर्याय पर्यावरण राखण्यासाठी प्रथम पारितोषिक मिळाले व 2019 मध्ये 25% करामध्ये सूट सुद्धा मिळाली. आज लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा हे आम्ही व्यवस्थेची प्रतिनिधी सुरू ठेवली आहे. थँक्यू. काकाने जो अभी बोला है कि प्लास को इतना अच्छा काम किया कि टैक्स में 25% छूट मिली. मैं अपनी तरफ से महाराष्ट्र सीएच एजुकेशन सेंटर ट्रेनिंग की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से प्लास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किरण वड़गामा जी सूबेदार जी स्वाति कोडे और पूरे मैनेजमेंट कमेटी और रेजिडेंट को बहुत बहुत हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन. कीप द गुड वर्क स्प्रेडिंग अक्रॉस इन आर एरिया. थैंक यू. थैंक यू सर. वो तो स्वाति मैम. सो अभी आप जो देख रहे हो स्लाइड वो पलाश वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन है. बनाई थी और ये फ्लायर्स सबको दिए थे और हमने ये बड़े इसके पोस्टर्स भी सुबेदार काका ने खुद जाके बना के लाए थे और ये लगाए थे हर जगह हर एक के रेफरेंस के लिए कि हर वेस्ट वेट वेस्ट या हर सेग्रीगेशन कैसे किया जाए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या दिस इज आवर कंपोस्टिंग टीम एंड यू कैन सी द स्वाति मैम आपकी तो आवाज बहुत कड़क थी कल, अभी थोड़ा फीबल हो रही है तो थोड़ा आप सोर्स के नजदीक जाएंगी प्लीज. ओके, अभी ठीक है. चलिए
थोड़ा आप लाउड बोलेंगे प्लीज। हाँ सुनाई दे रहा है, बट लग रहा है कि काफी दूर से बोल रहे हैं आप माइक से। अच्छा नहीं बिल्कुल हाथ में सेटिंग है। ओके जब आपने शुरुआत की थी तब बहुत ही क्लियर था। गर्व सर दो मिनट, स्वाति मैडम आप लैपटॉप से बात कर रही है या मोबाइल से बात कर रही है अभी? मोबाइल से। स्वाति मैडम मोबाइल। हेलो मोबाइल। मोबाइल क्या? ओके नो प्रॉब्लम, आप मोबाइल के थोड़ा पास आओ, कल जैसे आपने हेडफोन लगाया था वैसे हेडफोन लगाओ और वीडियो ऑन करो मैडम। यस मैडम एक्सलेंट एक्सलेंट मैडम। यस मैडम आप यस वी कैन हियर यू राइट नाउ, बट थोड़ा सा आवाज दूर से आ रहा है तो उस केस में आप थोड़ा सा हेडफोन लगा देंगी कान में तो अच्छा रहेगा। हाँ यस ऊपर तो आई थिंक मोबाइल का साउंड थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हाई वॉल्यूम पे रखना पड़ेगा ऐसे लग रहा है, एक बार चेक करो वो है क्या। फुल है गर्ग सर, वी हैव टू लिव विद दिस नो प्रॉब्लम, आवाज सुनाई दे रहा है मैडम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। यस हेलो वेरी मच ऑडिएबल, वेरी मच ऑडिएबल। हेलो यस एकदम क्लियर है मैम प्लीज। हाँ ठीक है, तो ये है हमारी पलाश की टीम जो आप स्लाइड देख रहे हो अभी, जो कंपोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ ऑर्गेन हमारा कंपोस्ट यूज करके मिस सारिका श्रीखंड इन्होंने ऑर्गेनिक गार्डनिंग बच्चों से करवाया और उन्होंने बीटरूट और मेथी ऐसे इस तरीके के क्रॉप्स लिए और अभी भी ये पैच हमने खुला छोड़ा है, जिनको भी करना है ऑर्गेनिक गार्डनिंग दे कैन कम है एंड दे कैन प्लांट देयर ओन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो दीज आर सम यू नो द रिकग्निशंस व्हिच वी हैव गॉट थ्रू द मीडिया। मैडम कैमरे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, थोड़ा सा हाथ निकालिए सो दैट यू आर यस बस बस मैडम थैंक यू। हाँ ओके या so this is the slide which shows our you know various other things as well, but we are today concentrating only on wet waste management, so I'll come back to that ye jo process hum bol rahe hain ki like we use the cocopit and the wet waste, right? So actually we use it in volumes, that if this is what the daily dump formula ki aap 4:3 matlab agar 4 kg, अगर एक ड्रम फुल होके अगर आपका वेट वेस्ट है तो 3/4 ड्रम आपको कोकोपीट या कार्बन कंपोनेंट डालना होता है। जो वेट वेस्ट होता है उसमें से नाइट्रोजन कंपोनेंट आता है और जो ड्राई वेस्ट ड्राई हम डालते हैं उसमें कोकोपीट या फिर लीव्स की क्रश किए हुए लीव्स, तो उसमें से कार्बन कंपोनेंट मिलता है। इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल बैक्टीरिया और सॉइल फंगस होते हैं फंजाए, वो साथ में मिलके एक्ट करके ये जो कल्चर बनाया जाता है वो केमिकल नहीं होता है कोई, इट इज अ कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दही का जामुन होता है उस तरह ये कल्चर होता है और ये हम उसके ऊपर वो सब में मिलाते हैं। हम पॉपुलरली लोगों को जो ट्रेनिंग करते हैं उस वक्त लोगों को बताते हैं कि आप जो है जो सब ये मिलाते हैं वेट वेस्ट कार्बन सोर्स दैट इज कोकोपीट एंड कल्चर, ये भेल की तरह मिक्स करो और कंपोस्टर में डालते हुए बिरयानी के तरह लेयर्स करो, तो वो भी खुशी खुशी से काम करते हैं। उन्होंने नाम दे के रखे हैं, जैसे कल्चर को वो नमक बोलते हैं कि मैडम नमक खत्म हो गया और लाना पड़ेगा ये वो, सो उसमें एक काइंड ऑफ लिटिल यू नो ह्यूमर इज क्रिएटेड एंड पीपल वर्क विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस।
So that is also important to keep the staff happy, because after all they are working with garbage, which we, you know, disregard as garbage. They are actually working with that. So ye hai hum jo kar rahe hain, thode problems to aate hi hain, har waqt aate hain, aur hum usko try solve karne ki har waqt koshish bhi karte hain. Kabhi thoda smell aata hai to usme dry component badhane ki zarurat padti hai. Jaise aap कोकोपीट ज़्यादा डाल दो, कोकोपीट भी ड्राई होना जरूरी है. अभी बारिश का मौसम है और ये चैलेंज लास्ट ईयर हमने बहुत फेस किया था, तो इस साल हम इसके ऊपर काम करके जितना कंपोस्ट हम मतलब ड्रम्स खाली करके जितना डोनेट कर सके, जितना बेच सके, उतना सब देख रहे हैं. और किरण सर की वजह से और ये जो हमारे यहाँ फार्मर्स आते हैं, काका ने बताया, उनको हमने रिटर्न गिफ्ट दिए एक्चुअली कि आपने सब्जी लाई, हमारे हमें बचाया कोरोना से, तो दिस इज आवर फ्री गिफ्ट फ्रॉम अस, अ गिफ्ट फ्रॉम अस. एंड ऑल्सो मीन वाइज मिस्टर सुबेदार काका ने जो उनकी यू नो उनमें कला है कि क्लाइंट लाके और उनको सेल करे, जो मुझ में बिल्कुल ही नहीं है, तो वो ये पार्ट देखते हैं. ज़्यादा से रेगुलर जो काम करने होते हैं वो काका ही देखते हैं. तो ये है पलाश का हमारा मॉडल और ये भी यू नो कंपोस्टिंग सोल्यूशन. ये हमारे कंपोस्टर्स है, यहाँ आप प्रज्ञा अलाटे जी, मैं और काका को देख सकते हैं. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट एंड हैव अ लुक. आप हमारे यहाँ काफ़ी आजकल केजी टू पीजी हमारा ट्रेनिंग सेशन चलते हैं पलाश में. आजकल बच्चे आते हैं, फिर बड़े भी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आके सीख के चले गए हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगली स्लाइड प्लीज. ओके सो या सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज व्हाट वी डू एट पलाश एंड एनीथिंग मोर यू वांट वील डील विद इट इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. थैंक यू. थैंक यू स्वाति मैम. मैं मुझे जरा 10-20 सेकंड का समय दीजिए. मैं अभी विशाल फिस्के सर आप रेडी रहिएगा जरा प्लीज. स्वाति मैडम एंड सुबेदर काका, बहुत अच्छा काम है आपका. इज एंश्योरिंग दैट ऑल पीपल आर ओवर देयर. सर मैं आई थिंक वो ऑडिबल नहीं है, मैं खुद स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके मैंने निकाल दिया. ओके फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबडी हु इज जॉइनिंग दिस वेबिनार, बिकॉज दिस इज रियली अ गुड सोशल वर्क विच इज इनिशिएटेड बाय द टीम, राइट? एंड द फंटास्टिक एग्जांपल रिसेंटली गिवन बाय स्वाति मैम वाज लाइक ऑफ भेल एंड द बिरयानी, राइट? Which makes everybody to concentrate on the work which they are doing and encourages them. So, talking about our society, how we initiated, let me introduce about myself. I'm Vishal Fiske, an environmentalist by profession, and I'm representing Latitude Society over here. About a solid waste management plan, this is one of the green initiatives which our society had implemented. Apart from solar, water, rainwater harvesting, then water aerators, and definitely we are going to implement a bio STP, which is different than the regular STP, where no power is required and it is zero maintenance cost. However, talking about a solid waste management plan, I have a small video which I will be sharing now. So this is about our society, Latitude Society. Myself, Vishal Fiske, secretary of the society, Kedar Dev, who is a treasurer, then Mukund Bhatt, who is the chairman of the society. Here we solve the waste management plan by segregating the waste into two parts, which is wet waste and dry waste. Let me tell you, as explained by many of my colleagues over here, the biggest challenge over here is the segregation. So how we implemented, before implementing, each one of the society which was explained over here before me,
We visited the society. We understood two things from them. One is the challenges which they faced, how to overcome them. Another, the best practices which they are already following. So I think the best practices which are already explained to each and everyone over here, I will not repeat them. However, the challenges which were common to both of us, I will be explaining it now. So how we do it is like weight waste is what only we treat. Apart from weight, we treat, you know, kind of a control or try to have a management of a sanitary waste. Apart from that, the dry waste we already collect and then we distribute it or give it back to the government, the local corporation body. I'm going to start my presentation now that we concentrated upon three basic priorities that 80% of our success goes into only one parameter, that is segregation at the source. If the weight and dry waste is not segregated at a source properly, the total project goes for a toss, irrespective of which methodology, which technology, or which technique you use for waste management. So next 10% goes into the shredder. Apart from the weight waste, if like let us say we have a coconut shell as a hard material, as well as some kind of a from a non-veg weight waste, like we have bone pieces. So those may not contribute directly for decomposition. So these need to be shredded. So we have a shredder which contributes into 10% of a success. This 10%, you can mind me, you can deploy any technique, any method which you feel feasible with respect to kind of a sustainable with respect to cost as well as environment and a space available inside the society. Because the biggest challenge, another than the kind of a success criteria, is finding a right location for the waste management plan. So let me take you to the plant directly, because our plant is just like similar to the rest of the other plants which are shared here. Apart from that, we are using drums which are electromechanically controlled and rotated so that minimum human intervention is involved. So we identified a location near to our STP bio plant. So this is we are implementing since last 2 months. The waste which is kind of a manual prepared is shown, like which is 2 months old. So this is how we have the drums, and this is the best part which I said as a shredder, which is used for, you know, further decomposition or kind of a granular, making it granular from hard surface. So this is a drum wherein there are four compartments. It automatically rotates through electrically driven motor. Definitely that consumes and power, which I will be sharing the commercials for it. So if you see, there is a hole wherein once it is rotated, it goes into another drum and then another drum. After 18 days of cycle, the kind of a manure which I'm showing here now is been prepared. So this is kind of a final material what we get out of it. So I would like to share the commercial part of it. Fine. So apart from that, like as everybody told just now, there is always a social worker inside each one of us, but very few come forward to participate into it. I'm really feeling myself as an fortunate member of the society who is been surrounded by few like-minded people who are ready to contribute to the society and give it back. So I can name few, like right from Mukun, Pradeep, Ankit, Shivu, then Pradeep, then again kind of Umakant, Sudhir, and many more who always motivate the rest of the resident to participate into the noble cause. So coming back to the point, the biggest challenge in the society for implementation of this kind of a green initiative was apne ko isme se kya milne wala hai. Government to imply kar rahi hai, compulsion kar rahi hai, but are we going to kind of a have some benefit out of it? So the first convincing point for me was the first convincing challenge for me, so which I have explained, I'm trying to explain it through this Excel sheet, wherein the how I calculated, we have 165 flats, right, and six shops. So I didn't consider the shops,
wherein the wet waste is not generated, I assume. Then as per the urban Indian guidelines, the per person per day wet waste, I'm not saying solid waste, wet waste only, is generated about 0.8 kg. We consider 0.7, so that sometimes we have less occupancy, right? And then we have holidays like, you know, Diwali holidays, where the occupancy is drastically dropped off. However, considering these numbers, the per day wet waste only generated is around 115 kg. After the wet waste management, the treatment through any methodology you do, right, we selected the best methodology based on the kind of a costing what we received. 40% of the total volume is been achieved after, once the total decomposition process is completed. Let us say 150 is converted into only 46 kg of a manure. Having said that, if we sell it at, let us say, 12 to 15 rupees, I'm considering as a pessimist rate available in the market, 12 rupees. That means we are generating at least 500 rupees per day from this particular plant. However, there is a capex involved into it and an operational cost involved into it. So let us say from this 500 rupees per day, we are generating at least 2 lakh per annum. However, the investment in this particular plant, which we selected after doing kind of a techno-commercial analysis of different methodologies and kind of, you know, techniques available in the market, we tried to invest 6 lakhs. This 6 lakhs includes the total asset, which is already shared with you through a video. We already have a kind of a plan for incineration of sanitary waste, which we are collecting at the top of each building. So each member has to go on top of the building and place it over there. However, this investment, if we consider, the payback period is within 3 years, because 6 lakhs invested and the income is approximately 2 lakhs per year. So let us say 3 years, we are having a payback period of total investment into it. So majority of the you know, managing committee members were convinced. Then we took it to the AGM and got it passed. Having said that, the operational cost is also considered for first 3 years. However, the operational cost for rest of the month, kind of following years after 3 years, will remain common as a 12,000 to 15,000 per month. So that is the only thing which is available right now. Apart from that, the kind of a challenges which we face, like, you know, and the things which we learn from rest of the members is educate the residents. If you don't educate them, because see, it's like kind of a partners, we have to involve them, right? Unless until we have a full involvement, interactive involvement from each resident, we cannot have this plant or a project successful. So display the notices of dry and wet waste, whether it on notice board, into the lifts, the way you want to do it. Segregation of wet waste, sanitary waste and dry waste and its location. Make people aware where the location will be, right? Then fix time. Let us say, like, you know, we said the waste, if kept for more than 6 hours to 7 hours, it start creating a pungent smell, which is not pleasant. So we insisted to requested to each resident that they must keep the wet waste outside their flask only between 6 a.m. to 9 a.m. so that the outsider and outdoor environment is not getting hampered. Recycle the material allowed to be sold. Like, you know, like right now, Vaishali madam also told that some people keep dry waste and everything. We allow housekeeping staff to sell it so that it motivates them and encourages them to participate into a noble cause, which is again giving back to the society. Have a citizen engagement. Like, we have an AGM and then we are taking feedbacks to our ADDA application, how people are finding it difficult or easy. So then we give a kind of a revision to the process which we are implementing for wet and sanitary waste collection. The common things, like already said, by, like, we use culture into the waste management plant, coco pit, and we have to find some space to dry the wet waste once it is ready, so that it is converted into a kind of a, you know, powdered manure. The challenges which we face as a managing committee is, like, though whichever plant you go for, it will have a bit maybe a pungent smell. So strategically finding a location for this total treatment was the biggest challenge for us. We located it near to the STP plant, which was already having a bit of a smell, which, you know, if you really intentionally go inside the plant, you feel it.
same goes for the waste management plant, whichever plant you deploy to. So finding it and having it more aerated, cross ventilated was the another two parameters which added for a success of this particular plant. So drying of the wet waste was one of the challenges, and manual intervention is required. If, like, let us say operator is not there for more than a week, then it becomes difficult for us to treat. So the buffer available with us is for almost a week. So even if our operator is not there, let us say we faced a kind of a force majeure condition of COVID-19, we had no attendant for this particular plant for almost a week. But somehow we were able to sustain that, especially when it rains. So this is what I had something to talk about, that the project can be successful, self-sustainable, provided that you are good at the numbers and understanding that how it has to be run. Because getting emotional may help in short run, but in long run, definitely if it is not commercially viable, the plant itself, people may call it as not a favorable initiative. So be ready with your commercials first, then go for kind of a implementation. Because technology is one thing. How we got into the kind of initiative is, we did a technical and then a commercial. However, keeping this as an A part, we concentrated on the B part as well, which is CapEx involved into it and the operational cost required for each project. So yeah, and look for the kind of initiatives time to timely given by the corporation body and the state and the center government. I have that much. Over to you, Garg sir. Thank you, Vishal sir. We had a wonderful session from you, and lot of learning, lot of technique, lot of costing. I think you covered all the aspect of the subject composting for society, and it would be very, very useful for all the society in time to come, and maybe whenever required they will approach you. So we are also planning, I'll share a bit later, that the five participants which have worked today, we will form a committee so that society can approach them and take benefit of their expertise on the subject. So now, thank you, sir. I'll now request Anil, sir. So I'll just load the presentation. Now I invite Anil Roy sir, health officer from PCMC. So ये कड़ी तभी पूरी होगी जब society में जहाँ पर यह possible नहीं है, तो आगे हमें उनके क्या उम्मीदें हमसे, हमें क्या करना चाहिए और solid waste management में क्या करते हैं। Over to Anil Roy sir. सर आपका ऑडियो थोड़ा सा फीबल है, थोड़ा सा वीडियो क्लियर है, ऑडियो थोड़ा सा, यस यस सर, बेटर। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इट वाज नाइस लिसनिंग टू ऑल द स्पीकर्स, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडिया एंड इनपुट अबाउट कंपोस्टिंग। पीसीएमसी एज अ कॉर्पोरेशन हैज अ रिस्पांसिबिलिटी इन दिस, वेयर इन we ultimately are responsible for collecting the waste generated by the city. As of today, you will see that PCMC, being one of our largest corporations covering 181 square kilometers, having a census of around 17 lakhs in the last census population. Today, we are approximately, I think, around 27 lakhs. And maybe again, we are back to 23 because 3 to 4 lakh people have gone back to their hometowns due to the COVID situation. And known for its industrial hub, MIDC, major companies, and now the IT sector too. Now, as you know, we have eight administrative wards and 32 electoral wards. Now, all these wards have to be covered for collection and transport of garbage waste, which is then processed at our Moshi plant, which is set over an area of 82 acres. Now, in PCMC, we
have this new consortium since last year. In July, we began with two new agencies that are covering the waste as North Zone and South Zone. So one of them is called VVG and the other is AG. ये दोनों मिलके पूरी शहर की कचरा उठाती है. Basically, we expect that all people segregate their waste at source so that it becomes easier for us to process the waste at our plants. लेकिन ऐसा नहीं होता है. Normally, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे townships में, बहुत सारे villages में, बहुत सारे industrial areas में कहीं भी segregation होता नहीं. The best segregation we get is from these societies that have come up in the last, say, maybe 10 years. So these being large societies, people, they are being highly educated, have on their own come forward to segregate waste and give us segregated waste. So our collection, jo hoti hai, agar aap dekhenge, we have around, say, 300 vehicles collecting daily waste, segregated waste. We have around 75 compactors that collect waste from major societies. We have around 800 trips to our Moshi depot, and as of today we are collecting around 1100 tons of waste per day. Since COVID, I think since April, this has gone drastically down to around 700 tons. That is because some hotels bande, street vendors bande, the major source of waste which we collect has come down. So we are having collecting around, say, 400 tons lesser than what we would do in the normal days. कलेक्शन के बाद कलेक्शन के टाइम हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे, वी हैव टू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. वन इज द स्मॉलर सोसाइटीज और द ओल्डर प्लेसेस लाइक द चॉल्स और द स्लम्स. सेग्रीगेशन इज अ बिग इशू. पीपल हार्डली सेग्रीगेट वेस्ट, दे आर गिवन मिक्स वेस्ट. सो व्हेन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दिस वेस्ट, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट एज मिक्स वेस्ट. व्हेन वी गो टू मोशी डेपो, एट आवर डेपो वी आर हैविंग मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी. So this facility helps us to separate the wet waste from all the dry waste. It has a capacity of 1,000 tons per day. Lekin agar hamare paas shuruaat se segregated waste aati hai, it becomes easier for us to send it to the different processes that we are doing in the area. So our vehicles start in the morning around 7:30 in the morning. Each small vehicle will collect waste from predefined routes, predefined areas, and I think each area has around 4 to 5 trips a day. So total of 800 trips collection, primary collection. From there, our compactors take them over, and they are sent from the secondary stations to the depot. Now, apart from the material recovery facility that we have, we also have a mechanical composting plant. We have a newly built CND plant, that is the construction and debris waste. This again is a major issue in PCMC. If you look all over PCMC, especially by river sides or banks or any place where it is empty, you can find people have dumped a lot of construction debris and then there's nobody responsible for it. So now under the Swachh Bharat program, we have a big capacity construction debris project. Jahan pe puri construction debris jama ki jati hai. It is recycled and remade into articles that can be reused. So we have to compulsorily use 25% of this construction debris in our construction work. Hold on, that's it. Hello. Now, apart from these two things, we have a biomedical waste treatment plant. This is specifically for all the hospitals, all the laboratories, which are today in PCMC. We have around, say, 484 hospitals, big and small. We have around 5,000 clinics, around 2,000 laboratories, wherein we collect this biomedical waste totally separately, and it is going into a different area. We have an incinerator at YCM hospital, and you know, this waste is collected specifically in different categories. Sharps are different, glass is different, human and blood is different. The blue, white, red bins are used for this, and incineration is done over here, and whatever is hazardous waste in the biomedical waste is always sent to Ranjangaon, where it is going to deep burials.
that is not used or put up in PCMC. Now, we have a plastic to fuel plant. Government has always said that plastic is banned, but as you all know, it is being used by many people, by many shops, by many restaurants openly, in spite of our fines, in spite of us taking many steps, educating people, plastic has still not stopped. Like someone said in the society, they have totally banned plastic. When each and every society or each and every citizen, each and every establishment bans plastic or voluntarily stops using plastic, that will be the day it will be easier for us to collect waste, process waste. So plastic, till then, we are now presently having a plastic to fuel plant. We have a 5 tons per day capacity. So that is converted into a biofuel, sold later to industries. We, apart from this recovery facility plastic, we also have a vermiculture plant of a 30 ton per day capacity. Vermicomposting, whatever compost comes out is given free of cost to the farmers. And we also use sludge from the STPs in this plant, particular plant. Now, apart from the plastic to fuel and this, we have, you know, landfills. The scientific landfills where only and only rejects, inert rejects are put in. So these inert rejects go into landfills where they are naturally and scientifically capped, or these recyclable materials are also given out to the people who work over there. I mean the people who work as, you know, rag pickers, they are also given these recyclables so that they can make a living out of it. Apart from this, the problems we face today are the solid waste management rules 2016 state that every society has to have its own composting plant or in-house composting. What method they choose is their choice, but around 884 societies which have been listed with me, hardly 234 societies as of today have this plants. We are bound by the law, central law, to fine every society 5,000 for the first instance, 15,000 for every next instance for not having their own plant. Now, this is a big and a difficult part of our work, because fining somebody means getting into, you know, bad mouthing, being bad mouthed by people, political interferences, pressure on us not to find people. So in spite of trying to educate people, some societies just refuse to do it. So what happens is the good that is being done by, say, 20% of the societies is undone by the 80% societies not adhering to the laws. Common reasons given are, we have no space, we cannot afford it, we do not know from where to buy it, give us 2 months time. But then every 2 months is the same story again, 2 months more time. This year, however, we have been able to convince and make around 100 societies build up their own plants and run it. When and if and when the societies realize that it is to their benefit, it is really beneficial for the city as well as to the societies that they have their own composting plants. Another part of our collection system is the collection of domestic hazardous material that includes sanitary waste. The domestic hazardous material somehow in the solid waste management system of 2016 includes everything from paints, lipsticks, batteries, bulbs, glassware, sharps, and sanitary waste. It's a mixture of this. So that again is processed differently because we have made arrangements for collection of such waste in our vehicles, but there are very few societies today who actually hand over such waste to us. From the point of view of the societies, some places we do understand. In the older societies, there is hardly any space for them to have their own plants. But the option that we have given them is, they can tie up with somebody. There are people, you know, there are agencies that collect your waste and they process it at their own site. Of course, it is for a certain charge, but then if the society does not have space,
There is no other option apart from going into this mode of this. Similarly, it is not only societies, even the bulk waste generators, and you define them as any society or any establishment that generates more than 100 kg of waste. So that includes restaurants, marriage halls, and the restaurants are the biggest defaulters on this chain. Hardly any restaurant has its own bin. That's because most of the restaurants came up in PCMC at a time when these rules were not applicable. So as of today, they have hardly any space to put up their own plants. So we are giving them an option. We are giving them an agency. You tie up with them, they have to pay an XYZ amount to the agency per kg, and that agency will come and collect their waste, take it to their own plant at Telegaon. They have a 50 tons per day plant at Telegaon and process it. But the reluctance of the restaurant owners, saying it's too costly, again puts brake on the segregation of waste. Another thing the restaurant owners or the societies that do not have their own plants should know is the more waste generated, the more waste collected by the health department, ultimately we go to the depot at Moshi. Moshi too is a part of PCMC, far away from places like Ratni or Wakad or Pradhikaran or Chinchwad. But that too is an upcoming area where there are many, many housing societies. So today, the people living in Moshi are of the opinion, why should they suffer? Because the processing plant or our depot is at Moshi. So they are against, you know, people putting up everything at Moshi. We have another piece of land of 62 acres acquired at Punavale. Unluckily for us, government red tapism and other problems has taken a lot of time to actually start our depot over there. In the meantime, Punavale has developed into a huge new housing complex. Now, those societies will oppose us collecting and processing the waste at Punavale. So these problems will keep on going on. So that is why the government is now insisting, like you all spoke about composting, community level composting, home composting, and on-site composting. If these three things are done, like everyone said, 60 to 70% of the waste generated is wet waste. If the waste that we generate is processed by ourselves at household level, community level, or society level, the waste that will go into the depot will definitely come down by 30 to 60%. Now, whatever waste we collect, what do we do with it? Apart from mechanical composting, vermiculture, the latest thing that we are going in for is waste to energy. We are putting one waste to energy plant that is now, I think, 40% complete. Maybe it will be completed in another 18 to 20 months. And then we will be producing around 14 megawatts of power. We have an agreement with the particular party that they will sell this power to us. We will be purchasing at 5 rupees per unit for the next 20 years. So that again will help us, you know, disposing of waste. But as the city grows, today it is 27 lakhs, it will go to another, say, 35, 40 lakhs in the next 10 years. So the amount of generated waste is going to be more, much higher. So it is high time every society takes up the responsibility of disposing his own waste. Every citizen, every individual, every restaurant, every establishment has to segregate at source, compose their own waste, and this will help PCMC in keeping the city cleaner than it is today. Thank you for calling me. Any questions are there, I will definitely answer them. Thank you, Roy Saab. We look at these problems from a society perspective, you know, but you are handling it at a city level. 7 lakh people and almost 1,000 ton per day is a huge, huge, massive, massive task. And now you are converting into electricity. And, you know, we understand the problem you are facing. At some places, we are the problem creator for you. We know that. And we look it the other way also at you. So, but at least the dialogue that we are doing it today, yeah, this will help us to, you know,
bring close to each other. Like you are generating 40 megawatt power is a news to me also, although we are in touch with each other. That's really because we always quote Singapore model. So you have now started going to that model. So really we appreciate your work, and we hope on both sides we'll move forward to address this issue. So thank you for that. Now I'll call Vaishali madam. Vaishali madam. Yes sir, thank you. Okay, from today's session jo aapne dekha, there was a certain flow that we followed. First from managing committee point of view se, हर हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी सोसाइटी में एक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, इसको हमने देखा. एंड देन इट वाज फॉलोड बाय व्हाट आर द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज अवेलेबल, इंटर मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ऑन साइट, जैसे सर ने भी बताया. इसमें से जो हम लोग चूज करते हैं तो उसका कुछ एग्जाम्पल्स जिस ऑलरेडी जिन सोसाइटीज ने इम्प्लीमेंट किया है, हर सोसाइटी ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया. इफ़ इट इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम उसके लिए क्या कॉस्टिंग आता है, क्या एड ऑन सप्लाईज लगती है, और व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग. इवन वेन देयर इज अ नॉन मैकेनिकल सिस्टम लाइक पलार सोसाइटी शेयर्ड, कि उसमें क्या चैलेंजेस है, हाउ दे इम्प्लीमेंटेड. एंड देन एट द एंड अनिल रॉय सर हैज एक्सप्लेन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू point of view what the expectations are from societies, और हम लोग कैसे help कर सकते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में चल के to manage this wet waste in a more effective way. So we have tried to cover every aspect of this composting relevant to housing societies. Okay, so I hope that message has gone through, and now we can take questions from every one of you if you have. Good, sir. I have six panelists in the program today. So, participant, please ask questions. I think Jayvant has already collected some of the questions. Yes, sir. Some of them have already been answered, but yes, we can take them. Yes. What I'll do is that I'll go, there are total 30 questions. I'll go five lot. So first question is how you compost for beginners. What is the cost for composting? Second question hai, can non-veg will be used for composting? Can you compost directly in garden? Is there any government funding available for composting? Ye paanch ka basically you can combine and anyone can answer. Okay. ओके, आई विल टेक द फर्स्ट वन. हाउ यू कंपोज फॉर बिगिनर्स, हमने अभी शुरू के जो स्लाइड्स में है वो हम लोगों ने बताया था कि फ्रॉम सोसाइटी पर्सपेक्टिव व्हाट वी हैव टू डू द बेसिक्स जो है डेटा गैदरिंग, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट विच बेस्ड ऑन योर बजट कि आपको कौन सा मैकेनिकल सोल्यूशन देना है या फिर नॉन मैकेनिकल करना है. तो बेसिक्स आपको ऑलरेडी हमने कवर किए हैं उसमें, एंड वी ऑलरेडी हैव द स्लाइड्स, वी कैन शेयर इट विथ यू. दूसरा, कॉस्ट ऑफ कंपोस्टिंग भी उसी में आएगा कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो. मैकेनिकल कॉस्ट में अराउंड 3 to 4 lakh रुपीज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द वेस्ट दैट यू आर जनरेटिंग, उसके ऊपर से आपका जो कंपोस्टर का कैपेसिटी है उस पर वो कॉस्टिंग डिपेंड करेगा. थर्ड वन, कैन नॉन वेज बी यूज, येस, एवरीथिंग आउट ऑफ योर किचन कैन गो इन टू द कंपोस्ट पाइल. Can you compost directly in garden? Theoretically, yes, we can do it. पर अगर society point of view से अगर आप देखोगे तो garden में open space होता है, तो आपको वहाँ पे pathogens या फिर उसका ख्याल रखना पड़ता है. फिर dogs, cats जो है वो attract हो जाते हैं उस waste को. तो it is not suggestible. But if anyone else, if wants to answer this question, Kiran sir, if you have any different point, please add, sir, on this. Can you compost directly in garden? No, I would suggest, I would in fact advise that it should not be directly composted into the garden, because there are other hazards also. It becomes a breeding ground also for a lot of bacteria and a lot of other insects, and that could cause a lot of hygiene problems for children playing around in societies. So that is not advisable. Right, right. And is there any government funding available? Anil sir,
you should answer this. Presently, there is no government funding, but I feel that tomorrow, if all the societies get together and ask for a certain percentage of the cost to be borne by the corporation, maybe if you speak with the political leaders, it can be done. Because previously, the corporation has funded CNG kits for auto rickshaws so that our air is less polluted. So this too can be done on the level of the society together and the politicians. Anilji. Anilji, since this question has arisen about the funding part of it, I have one concrete suggestion. I mean, it can be implemented. Now, any NOC given or any building permission plan given at any given time should make it mandatory for all these composting measures and everything to be in place before any plan is sanctioned. If you make that mandatory, then that is the only way where the things can be inculcated, whether it is a small project or a big project. And the capital cost can be borne by the promoter builder so that the burden doesn't come on to the resident welfare association or society. If this is done, then there will be checks and balances. And secondly, if at the time of, let us say, occupation or completion, if this is inspected before completion has been given, I mean, this would help the residents, and it will become an automatic process. You are very much right. Actually, I put up this proposal to the commissioner that any building permission given henceforth have to. But to date, it has not been sanctioned per se. But in the near future, it should be, because that is the only way we can have newer societies, whether big or small, having this setup, and then it will help the PCMC in saving time, first manpower and money in future. So that is a very good initiative that you have taken, but the I would say the inspection part of it has to be very strictly implemented. What we find is always at the inspection time there is a difference between the cup and the lip. And what the resident is left, if you go to see in many of the STP plants, they are basically given toy plants to society, which hardly function. And society takes over the project and then they are left with something that you and I both know what practically happens out there. So the inspection part of it has to be strictly followed. Right. Then only this can be successful. Thank you, sir. Thank you. और कोई स्पीकर बोलना चाहता है पहले पास क्वेश्चन के लिए दे कैन टॉक नो कंसर्न और कैन आई गो एड विद अदर फाइव क्वेश्चन यस जयमंत प्लीज डू यस सिक्स क्वेश्चन डू यू नीड फर्टिलाइजर इफ यू कंपोस्ट कैन यू कीप एडिंग टू कंपोस्ट पाइल व्हाट यू डू विद ओल्ड कंपोस्ट मींस मोर देन वन ईयर ओल्ड what you should compost and what you should not compost, that you need to clarify. How often you are supposed to turn compost, means kitne bar aap compost ko turn karna karenge aap, ye next five questions to expert. Vishal is there? Vishal Fiske? No, Swati ji is answering. She is not audible. Yeah, she's answering. यस मैडम थोड़ा सा मोटा करा था यस 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 मैम प्लीज गो अहेड क्वेश्चन इज डू यू नीड फर्टिलाइजर इफ यू कंपोस्ट सो बेसिकली फर्टिलाइजर इज अ टर्म यूज फॉर एनहांसमेंट ऑफ सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोस्ट इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक एंड दीज आर एक्चुअली we are promoting compost so that we stop using fertilizer so that we improvise the quality of our soil. So these are two different things. So do you need compost? If you fertilizer, if you compost, it's up to you. If you are going completely compost or organic farming, then you will not get a certificate of organic farming if you use fertilizer. Then can you keep adding to compost pile? In fact, in our composters, AGA, we keep adding to the compost every day. So this question is not really clear. If you mean that we can keep adding to the pile,
in a form, yes, you can keep adding, but you have to stir it so that all the microbes get mixed and, you know, that culture is mixed evenly and composting happens properly. And, okay, what the eighth question is, what do you do with old compost? Old compost is old, is old, very good compost. So go ahead and use it. What should you not compost? Okay. Anything that is organic is compostable, including your nails, hair, and anything that is from natural. And I mean, it's not up to you whether you will compost or not. The nature will not compost what is not compostable, like plastics and thermocolls and other things. So you can compost, at least for aerobic composting, you can use any organic material and it will be composted. Yes, of course. In if you are using leaves, then or the palm leaves or bamboo leaves, they have thick cuticle and they do not get composted very soon. So at Palash, at least we are keeping them separate, using bamboo and palm leaves in our composters. The ninth question is how often should turn compost? Basic theory of composting is aeration. Aerobic composting is aeration. So you should turn the compost as many times as much as it needs aeration. Like you have the turn rotating drum composters, which automatically rotate. And the more you rotate, better is the compost, because the better, more is the aeration. Like in our agas, the composters which we use, which we just stir the top layer with the second most layer. That is all. I would also like to add a little bit on the one question about costing. The second question, the first and second question combined, that if you are planning to start a new composting project, then do not go by just the cost or the whatever, you know, the label or the MRP. Think of the capex for 10 years. This is what we have done in Palash. And when you calculate for 10 years, you calculate for electricity and for everything that will, because as we had calculated, there is one agency which takes away garbage. But that time, the cost of that, taking the compost, taking the wet waste was 7 rupees a kilo. And now it has gone, I believe, more than 8 or 9 rupees a kilo. So you have to calculate for, 10 years of sustainability for your product. मॅडम खूप छान उत्तर दिली. आणखीन कोण ऍड करेल का याच्यामध्ये स्पीकर पैकी का मी पुढे जाऊ? पुढे घे. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, कॅन आय यूज लास्ट इयर कंपोस्ट? रिपीट झालाय. नेक्स्ट 1, कॅन यू पुट कुक फूड फॉर कंपोस्टिंग? What is the impact of sun or shade on composting? What will happen if we add kitchen scrap in compost? What are the disadvantages of composting? These are next 5 questions. I think Vishal, you should take this question. Vishal aayega? Sir, Vishal sir nahi aata tha. मग वैशाली आणि स्वाती तुम्ही दोघं घ्या एक प्रश्न. सिद्धार्थ आहेत का? सिद्धार्थ फ्रॉम नाही, ही ऑल्सो लेफ्ट सर. ही इज ऑल्सो लेफ्ट. स्वाती आणि वैशाली, आय थिंक सो यू बोथ टेक दिस क्वेश्चन. ऑल राईट. 11, मेक यू लास्ट इयर कंपोस्ट, यस, यूज फॉर व्हाट? आई मीन प्लांट्स, यस. कॅन यू पुट cooked food for composting? Yes. What is the impact of sun or shade on composting? More than sun and shade, the aerobic composting needs air. So whether sun or shade doesn't make much of a difference. Only thing is, you have to cover the composters. You should protect them from the rain, because it will get wet, soggy and then smelly. So sun and shade is not much of a problem. Anything we do, like our agas can be kept in the sun out for 10 years, and that is what we have got the warranty for.
And the next is, what is the impact of sana? That is, what will happen if we add kitchen scrap in compost? You will get very good compost if you add kitchen scrap. Kitchen scrap means, I hope you mean the organic waste. Yes, yes. And what are the disadvantages of composting? Ask people in your society. And you lose friends. Yeah, it is. There are, jokes apart, you get a little smell and you have to constantly combat on smell. Then also the growing pile, if you don't have a taker for compost, then you have to constantly find the taker, find people who use it. Otherwise, our societies don't have that much of space. And so that is one problem, disadvantage. Then there is a bit of carbon dioxide production is also there in aerobic composting. It's an exothermic process which gives out carbon dioxide. But so yes, a bit of, when we are into the earth, are producing a bit of carbon dioxide with this. Okay. Now, Jayant. Bola na, sir. I will add here that, you know, what will happen when the societies really start implementing this composting process. Let us assume that there are in Pimpri Chinchwad, there are about 2,000-2,500 societies. Okay. And once societies take up composting seriously, the problem will be what to do with this, with the compost that you have on hand. Okay. Because you will not, even today, I think so, many societies are having a problem disposing of their compost or trying to sell their compost. This is going to be a practical problem that is going to be faced by everyone in the near future. Even, I think so, societies are already facing that problem. Now, the issue is that if we go to look at it from a commercial point, जर आपण त्याला कमर्शियल angle ने सगळं बघायला गेलो तर हे एखाद्या वेळेस येतात म्हणजे पुढच्या काळात हे एखाद्या वेळेस वायबल होणं शक्य नसेल. हा माझा, दिस इज स्ट्रिक्टली माय पर्सनल ओपिनियन. आणि दुसरं काय की तुम्ही समजा की वर्षात किती कंपोस्ट बनवू शकता तुम्ही? माझ्या मनाने आय डोंट थिंक इट इज मोर देन समवेअर इन द विन्सिटी ऑफ इवन अ सोसायटी ऑफ लेट्स से ऍव्हरेज 350 फ्लॅट्स विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस compost of more than 7,000 to 8,000 kg in a year. So maybe maximum if you go to 10,000 kg. What is the return that a person can expect out of selling 10,000 kg? Would be 1 lakh. 1 lakh, going by today's rates, I'll be very optimistic and say, okay, 1.5 lakhs. Vaishali, correct me if I'm wrong. No, correct, sir. You're right. Now, if societies can take a call, then, you know, there are farmers, there are many farmers who are buying this from the market, maybe even paying 30, 40, 50 rupees a kg. I'm told that, sir, some people are, you know, packaging this in half kg packets and selling it somewhere around 60 rupees a kilo. I mean, it doesn't make sense. Now that due to MCDC, this disconnect has been, you know, reduced, and there is a lot of connect now between farmers and societies directly. Society should work out some sort of this thing that they can give it at subsidized rate. So if a society can afford, like we have decided in our AGM that we are going to do this as a CSR activity, and we are giving it to all farmers who come to us free of cost. Now, if societies in future will have to think about it, not purely from a commercial point of view. Now, there are incentives given by the government, like rebate in property tax that goes to individual flat owners. Anyway, people who are contributing to society through contributions, through their regular maintenance charges and all, are going to benefit by it. So either which way you're eating with a spoon or you're eating with your fingers, it's all going into the mouth. So everyone is going to benefit. If a society is doing something, there are incentives from the government, like rebate and property tax, which in my case, in Pralash's case, I think so, we have recovered the cost of our project within 1 year, or 25% rebate that we have got. So these things are going to be additional incentives. Like, you know, there was a question whether government is going to give any cash incentives. But these incentives are in place today. I don't know about tomorrow, but they are in place today. And till they are there, I mean, societies will be able to recover a major part of their expense
if they do this diligently and properly. This is my own personal opinion. I could be wrong, but today this is what where we stand. Okay. Sir, I'll just add on to what you said, and I concur what Jay Tumi Pan Mudda Mantla. Yes, it's going to be a big problem when all societies start making compost. And trust me, if it is a mechanical process, you are going to get hundreds of kgs and you will be thinking ki bhai main iska kya karu, kyunki no, though you think abhi when we started, I'll just give my example, we started, we recovered, we thought that we'll sell it for 30 rupees per kg. Now why this? Because we want to store it in gunny bags and you know we spend on that and per kg. But when we get the vendors, they don't take it by per kg, unka ek bulk mein aata hai ki bhai ek tempo mein hum lekar jate hai and give us a lump sum amount, you know? And that is way below what we think. Okay, it's like it ranges from 10 to 15 rupees per kg. So whatever, and that is not fixed. So only if nurseries, nearby nurseries, if they want to buy, they will come. So there is no fixed vendor, every month you will come and pick it up. So that one issue is with sales. Second thing is that when we use it in our gardens, we have limitations. How much compost are we going to use in our own gardens? Okay. So that was the reason why I think we had a meeting with PCMC and Anil Roy was there in that meeting also. We had suggested that PCMC pick up this compost, okay, from us. As it is good for environment, because when we approach the vendors, we also have to, or we try to sell it, we have to, you know, consider the transportation cost or packaging cost and everything, and we cannot go on spending on handling this compost again. So at that time, we had suggested that PCMC either provides a market for this compost where all vendors can come together and we can, just a pauna thadi wagara je asta na sir, ki tite kasa sarva bachat gatanna tumhi ek jaga deta, ki tite tu ite tyancha product display kartat and they make income out of it. Something like that can be done for compost also. They can provide us the market where the gap between the vendors and the societies is reduced, and this we can earn also whatever amount they can, we can define that amount. And instead of creating competitors between societies, they say, I am also making compost, you are also making compost, then which is good, which is bad, iska 30 rupees ko hai, uska 10 rupees ko hai, naturally the vendor will go for the one which is of the lowest cost. So the main 20 rupees cost kare to mera sale nahi ho raha hai. So now what is happening, we are competing with each other. This competition should not be there, at least not in handling the compost. So a forum or a committee or a place where this compost, where market can be provided to these societies, and PCMC should take this initiative, because already the societies have invested. And if you see, if from all the training that we have seen, this is very labor intensive, and society members themselves have to monitor, they themselves have to continuously keep on working, only then this system works. Okay, so aap apna time de rahe ho, energy de rahe ho, plus aap us pe costing bhi dal rahe ho. Definitely cost is high in any this thing, maintenance to uska aata hai. So then I think PCMC can take this initiative, sir, on this forum. Again, Anil sir, I will request you to take this point and see what we can do about it. And दूसरा एक डिसएडवांटेज जो स्वाति जी ने बताया था अबाउट द स्मेल, यस स्मेल का एक डिसएडवांटेज है, बट आई थिंक दैट कैन बी वेरी रेडिली यू नो रेक्टिफाइड, बिकॉज स्मेल यूजुअली आता है जब उसमें ड्राई कंपोनेंट जो आप वेट वेस्ट में डालते हो वो जब कम पड़ जाता है और लीचेज स्टार्ट कमिंग आता है, एट दैट टाइम द स्मेल कम्स. लेकिन उसका प्रोपोर्शन अगर आप ठीक से मैनेज करोगे तो उसका स्मेल भी नहीं आएगा. अ वेरी माइल्ड विच इज टॉलरेबल स्मेल, दैट इज ओके. मतलब वो गार्बेज का स्मेल से तो ये बहुत ही, आप यू कैन कम इन एनी वन कंपोस्ट प्लांट और आप देखोगे कि इट इज नॉट दैट बैड. सो दिस डिसएडवांटेजेस वट एवर अभी जो दिख रहे हैं वो मुझे लगता है कि वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन इफ वी नाउ इफ वी प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान फॉर इट एंड हाउ टू हैंडल. वन थिंग विच हैड कम टू माई माइंड इज दैट वॉट पी सी एम सी कैन डू विद दिस कम्पोस्ट, दे कैन कलेक्ट इट फ्रॉम अस
एंड यूज इट फॉर द डिवाइड द प्लांटेशन जो पीसीएमसी के अंडर आते हैं या कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट जो मेंटेन करते हैं, यू नो रोड के डिवाइडर्स पे है या फिर बॉर्डर लाइन पे आपने ला ले, या फिर कोई बैरन माउंटेन्स है या यू नो हाईवेज पे जो होता है मोस्टली, वहां पर भी अगर ये यूज यूटिलाइज करे इसको, ओके, बिकॉज इट्स अ कंपोस्ट कैन बी यूज एनीवेयर, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. अभी ये दिस पॉइंट्स द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियसली ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि नाउ आज इस फोरम पे भले ही 5-6 सोसाइटीज आई है, मगर अगर आप बाहर जाओगे तो देर आर मेनी अदर सोसाइटीज हु आर कीन, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड ये, एंड सेकेंडरी टू इट इज द ह्यूमैनिटेरियन कॉज और एनवायरमेंटल यू नो कंसर्न. तो अभी अनिल सर, it's up to you to take this you know initiative now. Same also, when you came to my office we had a talk over this. I know, we could start you know using this for kitchen gardening on our school terrace. Took up action, because what happened is between me and my department a lot of coordination between different departments in PCMC is very difficult. But okay. I think once this COVID thing is over, lessons down, I think I'll be better person with the commissioner and we can see what can be done best. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Okay, Javis, we can move on. Yeah. We'll move on. And there are another 15 questions. So, patapat, le lenge. Javis, malai pan ek prashn hai, please. Here. हाँ काका बोला जयवंत. नहीं नहीं, माझा एक छोटा सा प्रश्न है कि आता वैश्यताईंनी किरण सरांनी वगैरे डिस्पोजलचा जो मुद्दा मांडला आहे ना तो खूप इम्पॉर्टंट आहे. तो डिस्पोजल होत नाही आहे त्याच्यामुळं सोसायट्यांना खूप डिफिकल्ट जातं आहे हा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करणं. तर आता नव्याने या कोविडच्या दरम्यान आपलं MCDC ने एक नवा प्रोजेक्ट काढलेला आहे की सर्वांना भाजीपाला वगैरे जो काही शेतकऱ्यांकडनं यायचा तो डायरेक्ट शेतकऱ्यांकडनं थेट सोसायट्यांपर्यंत यायचा. तर याच्यामध्ये MCDC ला जर आपण थोडंसं हे केलं, कारण हे जे आपण खत निर्माण करतोय ना हे खत इतक्या सुंदर क्वालिटीचं आहे आणि ते जर शेतकऱ्यांपर्यंत जर पोहोचलं ना तर त्यांच्या रानामध्ये खरोखरीच आपण जे म्हणतो ना सोनं येणार ना, ते सोनं उगवलं जाईल. फक्त प्रश्न ज्याचा की आत्ता जसं रायसर म्हणाले की कोऑर्डिनेशनचा जो प्रश्न आहे ना, तर त्याच्यामध्ये अशी कुठली तरी मोठी एजन्सी इन्वॉल्व्ह झाल्याशिवाय काही हे जास्त सक्सेस होईल असं वाटत नाही. आता सहकार डिपार्टमेंटली शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावरती इन्व्हॉल्वमेंट केलेली आहे आणि सोसायट्यांना सांगतायत की या लोकांच्याकडनं, तसंच सोसायट्यांकडनं पण तुम्ही यांचं खत घेऊन जा, पाहिजे तर ते फुकट घेऊन जा, कारण MCDC कडे बऱ्याच प्रमाणामध्ये सबसिडीच्या रूपामध्ये फंड सुरू आहेत. त्या सबसिडीचा जो उपयोग आहे तो ही जी खतं आहेत ती शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जर नेऊन पोचण्याची व्यवस्था केली ना तर खरोखरीच, पण एकदा त्याच्यासाठी विश्वास निर्माण होणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर तसा जर विश्वास जर निर्माण झाला ना तर आपल्या सोसायट्यांची स्वच्छताही पण खूप चांगल्या प्रमाणात होईल आणि चांगल्या प्रमाणामध्ये लोकांचं शेतीचं उत्पादन येणे तेही पण होईल. कारण शेतीचं काय झालेलं आहे, आता केमिकल फर्टिलायझर जे आहेत ना त्याच्यामुळे शेतीचा कस एवढा कमी झालेला आहे, तर तो कमी झालेला कस जर पुन्हा रिडेव्हलप करायचा असेल तर अशा प्रकारचं जे ओरिजिनली निर्माण झालेलं खत आहे तर त्या शेतामध्ये गेलं तर खरोखरीच पुन्हा सोन्याचे दिवस आल्यासारखे राहणार नाही. पण याच्यासाठी ज्याला काय म्हणतात की चांगल्या प्रकारचं कोऑर्डिनेशन आणि कुठल्या तरी मोठ्या एजन्सीचा सहभाग याच्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. थँक्यू. या काका, आपने पिछली बार कुछ फार्मर ग्रुप के नंबर भी लिए थे शायद इस सब्जेक्ट के लिए, आई होप अगर वहां से शुरुआत करें. हा, मला माहिती आहे की का तुम्ही म्हणाला तो मी तसा खूप प्रयत्न केला माझ्या लेवलवरती, परंतु लोक इन्क्लाईन नाही आहेत की आणायचं कसायचं खत तिथनं कसं आणायचं आणि मग आपल्या शेतामध्ये, पण त्यांना विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय काही होणार नाही. जसं ह्या एजन्सीचे नव्याने विश्वास निर्माण करायचा प्रयत्न करते MCDC सोसायट्यांमध्ये या तुम्ही शेतकऱ्यांचं खरेदी करण्यासाठी, तसंच सोसायट्यांविषयी पण विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. सोसायट्या आणि सोसायट्या निश्चित विश्वास
निर्माण करतील. कारण ज्या पद्धतीने आता वैशिष्ट्यांनी किंवा इतर सोसायट्यांनी तिकडे रोजलँड वगैरे चांगल्या पद्धतीने हे प्रकल्प राबवलेले आहेत, पण ते त्या मालाला उठाव नाही, त्या खताला उठाव नाही आहे. तो उठाव होण्यासाठी त्यांच्यासाठी विश्वास निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती मार्केटिंग किंवा त्याच्यासाठी जाहिरात करणं अत्यंत आवश्यक आहे. निश्चित त्याचा सक्सेस होऊ शकेल, दोन्ही बाजूने होऊ शकेल. शुअर 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 डेफिनेटली. थँक्यू काका, थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन. टी और कॉफी पावडर इज गुड फॉर कंपोस्टिंग. अग्निहोत्र ऍश इज गुड फॉर कंपोस्टिंग. अग्निहोत्र ऍश यूज करू शकतो का? कुठल्या झाडाची पानं चांगली असतात किंवा वाईट असतात कंपोस्टिंगसाठी सगळ्यात जास्ती? सडलेला भाजीपाला आपण कंपोस्टिंगसाठी टाकू शकतो का? आणि आपण एक दिवस जुनं नाचलेलं अन्न आपण कंपोस्टिंगसाठी टाकू शकतो का? वैशाली येते सर. हाच प्रश्न घे. ओके, आता आय थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स आर ऑलरेडी आन्सर्ड. कॅन आय यूज लास्ट इयर कंपोस्ट? येस, डेफिनेटली यू कॅन यूज लास्ट इयर कंपोस्ट. कॅन यू पुट कुक्ड फूड फॉर कंपोस्टिंग? हो, आपण टाकू शकतो किचन वेस्टमधून. किचनमधून आलेलं सगळं फूड, कुक्ड अनकुक्ड, एव्हरीथिंग कॅन बी पुट इन द कंपोस्ट पाईल. व्हॉट इज, हे झालेत ना क्वेश्चन आपले? हो झाले, हे झालेले आहेत. पुढचे क्वेश्चन कुठले आहेत? नेक्स्ट ले लो सर. नेक्स्ट ले लेंगे क्या? ये हो गया है सारा अपना. टी एंड कॉफी पाउडर गुड फॉर कंपोस्टिंग, येस ते झालं. आता 21 पासून घे. विच टाइप ऑफ कंपोस्टिंग गुड फॉर सोसायटीज? ओके, आपण आधीच सांगितलं होतं की बाबा यू हॅव टू डू द करेक्ट अनालिसिस. टाइप ऑफ कंपोस्टिंग will depend on your budget, on your cost analysis, on your objective, what you are trying to do. Compost aap kyu kar rahe ho? Phir jaise mechanical hai, non-mechanical hai, ye dono ko aap khud uska pros and cons dekh kar, uske costing dekh kar, uska apna aapka khud ka objective dekh kar aap decide kar sakte ho ki which type of composting is good. Definitely anything which is not hazardous, जो हम भले ही हम लोग कंपोस्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर हम दूसरा एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं जिससे डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट को, वो हम यूज नहीं करना चाहिए. मैकेनिकल सीम्स टू बी वेरी ईजी टू हैंडल और सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपको मैनुअली नहीं देखना पड़ता, मगर उसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैन वी शुड वी गो फॉर दैट. अगर हम लोग पूरा नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हम लोग स्मेल ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, हमारा मैन पावर उतना लेबर जो है वो ट्रेंड है क्या नहीं, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम सही है क्या नहीं. सो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू डिसाइड, द हाउसिंग सोसाइटी हैज टू डिसाइड एज देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल रिगार्डिंग कंपोस्टिंग. आप देखो कि आपकी सोसाइटी के लिए कौन सा बेनिफिशियल है एंड यू गो फॉर दैट ऑप्शन. दूसरा है, डेयरी प्रोडक्ट्स कैन बी यूज फॉर कंपोस्टिंग, येस इट कैन बी यूज. देन डॉग शिट यूजफुल फॉर कंपोस्टिंग कैन बी यूज? नो यू कैन नॉट यूज. जवाब मैं देता हूँ वैशाली. हाँ जी बोल दीजिए सर प्लीज. की आज जो आज इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सोसाइटी का ही प्लेटफॉर्म है, आज सिर्फ सोसाइटीज ने ही प्रोग्राम प्रेजेंट किया है और जितना मैं समझाऊँ ये सभी सोसाइटी जो हैं और सोसाइटी को गाइड करने के लिए तैयार हैं. तो हम इसकी एक सबसे बात करके कमेटी बना देंगे और जो सोसाइटी विजिट करना चाहें विजिट कर सकती हैं, या उनसे टाइम लेकर के वन टू वन इंटरेक्ट करना चाहती हैं, या सभी के डिफरेंट मॉडल देख के डिसाइड करना चाहती हैं. आई थिंक ये हम ये प्रोग्राम के बाद में सोच सकते हैं, 5 सोसाइटी जो है गाइडिंग फैकल्टी बन सकती है बाकी सभी सोसाइटीज के लिए. मुझे इतना ही बोलना है. आई होप एवरीवन विल एग्री. यस सर, गो अहेड, गो अहेड. यस सर. मैडम 26 का वाला ले लो, 26 से स्टार्ट कर दो. कैन वी पुट फिश बोन्स इन कंपोस्टिंग? यस यू कैन पुट फिश बोन्स आल्सो.
मटन चिकन सब चलेगा उसमें, नॉन वेज यू कैन पुट। ये जो एटलीस्ट हम लोग जो हम सोसाइटी में जो यूज़ कर रहे हैं फूड वेस्ट कंपोस्टर जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट कंपोस्टिंग? एनी टाइम दैट द टाइम दैट यू डिसाइड दैट मुझे कंपोस्ट करना है दैट इज़ योर आइडियल टाइम। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, दैट टाइम इज़ गुड फॉर यू। टेल मी हाउ मच इज़ द आइडियल एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंपोस्टिंग? अभी किरण सर कैन यू टेक दिस आइडियल एरिया? डिपेंड्स ऑन सी, इट कैन डिफर फ्रॉम लेट अस से इफ यू आर डूइंग अ कंप्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस यू डोंट रिक्वायर मोर देन 400-450 स्क्वायर फीट। Right, but if you're doing a completely manual process like how we are doing it, we require about 2,500 square feet of space. So it all depends on which model you choose, but if any model you choose, the end product is going to differ, let's say 70-100%. So, I mean, you whichever process you choose, the end result is you're going to be producing compost. How you do it, what are the ingredients that you put in it, how much cocoa pit you put in it, how much culture you put in it, so that will make all the difference. But like I said, area, if you have little area, you can do it on the terrace. We have societies who have done a lot of composting on terrace also and have developed terrace gardens. There are very good examples of those also. So ye sab ho sakta hai, lekin will chahiye karne ke liye. Kuch bhi karna hai, usme time dena chahiye, usme thoda paisa bhi jayega, thoda आपका खुद का टाइम भी जाएगा और इसके लिए विल चाहिए। विदाउट अ विल यू कांट डू एनीथिंग। तो हर एक सोसाइटी में, अभी मैं सोसाइटी की बात करूंगा, तो हर एक सोसाइटी में पहले तो जागृति करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें अवेयरनेस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी अवेयरनेस कहाँ से करें? अवेयरनेस शुड बी डन राइट फ्रॉम चिल्ड्रेन एंड द प्रोसेस शुड बी इनकल्केटेड थ्रू चिल्ड्रेन इन टू पेरेंट्स। This is how we have been doing since the last 5 years. Correct, Swati, if I'm wrong? Yes. Swati, are you there? Can you hear me? Yeah. So correct me if I'm wrong. This is the inculcation process that we started through children, through elders, and we had a collective approach. That is, and secondly, awareness is very important. And the people who are doing the project have to study the project very thoroughly so that any question can be answered to the satisfaction of the person who is seeking clarification. जब ये चीजें और clarity आ जाए तो फिर चीजें इतनी difficult नहीं होती है, and then automatically things start falling in place. Of course, a lot of time, energy, money, everything needs to be invested in it, and the returns are negligible. तो दिस इज अ थैंकलेस जॉब। इसको करने के लिए डेडिकेटेड सोशल, जो सोशली कनेक्टेड लोग हैं वो अगर आगे आएंगे और जिनको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा भी कॉन्शियसनेस है, दे विल डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स यू नो टूवर्ड्स द गोल दैट यू हैव टू ब्रिंग। लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगे आगे जाके, वो जो जैसे सबने बताया कि ये इतना प्रोड्यूस हो जाएगा ये कंपोस्ट के, उसे कहाँ रखा जाए वो एक बड़ी दिक्कत होने वाली है। लाइक टुडे हम लोग जितने भी हमारे पास सरप्लस कंपोस्ट होता है तो हम रोड डिवाइडर्स में डाल देते हैं। हमारे जो ग्रीन ड्राइव बोला जाता है हमारा रोड, दैट इज रियली बिकम ग्रीन नाउ, आई वुड से ओवर ग्रीन, इट रिक्वायर्स प्रूनिंग नाउ, जंगल जैसा हो रहा है। और दूसरा है पिंक सिटी रोड में हम लोग ने डाला हुआ है, वाकर रोड में हम लोग ने डाला हुआ है। तो वहाँ के जो प्लांट्स है वो दे रिक्वायर हार्डली एनी वाटर ड्यूरिंग द समर ऑल्सो एंड दे नेचुरली ग्रोइंग। तो ये जो चीजें हैं, ये सब दीज चैलेंजेस आर गोइंग टू बी फेस्ड बाय ऑल सोसाइटीज। लेकिन गवर्नमेंट लेवल से अनिल रॉय जी, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि इसे आप मैंडेटरी बना देते हैं, अगर जब आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देते हैं और कंप्लीशन देते हैं, सो दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। दिस इज समथिंग दैट शुड बी टेकन फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर ऑफ इन दिस, क्योंकि इतना आगे पॉपुलेशन जैसा बढ़ेगा उतना वेस्ट जनरेट होने वाला है, तो उस वेस्ट को रखने के लिए जगह कम पड़ने वाली है। एंड हाइजीन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन द एजेंडा टुडे, एस्पेशली विद COVID-19 दैट इज हियर टू स्टे फॉर अनदर, लेट्स से एटलीस्ट अ ईयर और टू। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। किरण सर खूब शानदार। लास्ट क्वेश्चन मैडम, आता मैडम किंवा सर, कंपोस्टिंग केल्यानंतर बायोगॅस जो निघतो तर तो कसा हँडल करायचा?
वही बायोगैस प्रोडक्शन इज अ टोटली डिफरेंट टोटल डिफरेंट मेथड काही त्यांनी करायला हवं कारण त्याची स्लरी असते ती खूप कमी निघते फक्त तो गॅस कुठे कसा युटिलाइज करता येईल आणि एक्सपोर्ट कडनं तो प्लांट प्रॉपरली करता येईल हे बघायला पाहिजे पण बायोगॅस आजच्या तारखेला खरंच चांगलं ऑप्शन आहे पण प्रोसेस कंपोस्टिंग मध्ये एरोबिक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये फक्त कार्बन डायऑक्साइडच निघतो बायोगॅस मध्ये त्याच्यामुळे बायोगॅस निघतच नाही त्यामुळे हँडल तो काही करायचा प्रश्न नाही आहे मे बी मॅडम क्वेश्चन विचारणाऱ्याला विचारत असेल की भाई जे हजार्डस गॅस निघतात किंवा कार्बन डायऑक्साइड निघतो त्याचा जो वास येतो तो कसा हँडल करायचा ही वॉन्ट टू आस्क दॅट मे बी कार्बन डायऑक्साइडचा वास येत नाही येत त्याचा ओके प्रोडक्शन झालेलं आहे आणि याचा अर्थ ते त्याच्यात एरोबिक प्रोसेस ही कमी होते आहे त्यामुळे त्याच्यात मग जसं आपण आज पण त्याच्यामध्ये मग ड्राय इन्ग्रेडियंट कार्बन कंपोनंट हा जास्त घालतो आणि एरिएशन हा वास घालता येतो ओके थँक यू मॅडम विजापुरी सर आपको कुछ बोलना है ना अभी विजापुरी सर कहाँ से अभी आई थिंक ही इज नॉट ओवर देयर ओके मेरा एक अगर एक्सपर्ट अलाउ करें तो एक क्वेश्चन पूछना है मुझे कि जो गार्डन वेस्ट है या ट्री लीव जिसको हम बोलते हैं कैन दे बी यूज फॉर कंपोस्टिंग यस सर वो दे कैन बी यूज्ड यस सर आपको सिर्फ क्या है उसका मतलब वो बड़े होते हैं लीव्स बड़े होते हैं या वो क्रश करके डालने होते हैं ड्राई होना चाहिए वो पूरा और जो छोटे छोटे यू नो ब्रांचेस जो रहते हैं उसको आपको क्लिप करना पड़ता है श्रेडर से निकाल के अगर आप डालोगे तो इट एक्ट्स एज अ ड्राई कंपोनेंट फॉर द कंपोस्ट जो हम लोग जो कोई भी इसके लिए हम लोग सॉडस्ट या फिर कल्चर यूज करते हैं तो सॉडस्ट की जगह आप ये गार्डन वेस्ट यूज कर सकते हो इट्स गुड इट रिड्यूसेस योर कॉस्ट ऑल्सो ओके ओके वो सेपरेट भी कंपोस्ट कर सकते हैं सर सिर्फ गार्डन लीव्स ओके वो अलग से भी कंपोस्ट हो सकता है उसका आई थिंक किरण सर इज ऑलरेडी डूइंग दिस गार्डन वेस्ट आई थिंक द सोसाइटी इज डूइंग इट सेपरेटली Yes, we have got a shredder machine and that is reducing our cost tremendously because that is a very good, I wouldn't say a substitute, but it compensates a lot of the requirement of coco pit. Right. So that is again, whatever leaves that fall are free and you are ending up paying, I think so, coco pit is now 10 rupees and 15 rupees a kilo if I'm not mistaken. And if you have to purchase coco pit If you have to purchase coco pit for processing this, it is never going to be viable and societies will not be able to sustain this at all. This is also a fact. And that is one thing that the government also, Anilji, you will have to look into it. Coco pit, the societies will have to get at subsidized rates. They will not be able to afford to purchase coco pit over 1 rupee 50 paisa or 2 rupees a kilo. This is also another big hindrance that is going to be there in front of all the societies. सर हा पॉइंट मी टाकला होता इवन फॉर सॉडस्ट ओके वेन वी बाय द सॉडस्ट ना त्यावेळेस सी वेंडर्स जे आहेत ते सॉडस्टला कुणी विचारत नव्हतं सर देर इज त्याला काहीच किंमत नव्हती ते तसेच देऊन टाकायचे बट नाव बिकॉज ऑफ दिस कंपोस्ट प्लांट्स न इट हॅज बिकम अ डिपेंडन्सी ना इट्स अन ऍड ऑन सप्लाय आणि त्याच्यामुळे त्याचा रेट हा इतका वाढलाय जो 2-3 रुपयाला मिळायचा आधी आज त्याचे 7 रुपये 8 रुपये समटाईम्स यु नो GST पण ऍड करून देतात अँड देन 10-12 रुपीज इट इज सोल्ड सो इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज ॲट दॅट टाइम आय रेज दिस इश्यू इन PCMC ऑल्सो दॅट यू हॅव टू गिव्ह अस दिस प्रोव्हाइड दिस ऍड ऑन सप्लायज इन सबसिडाइज रेट ओके यू रिमूव्ह दॅट GST क्लॉज अँड एव्हरीथिंग यु नो तुम्ही जे आहे त्या किमतीमध्ये तुम्ही द्या किंवा ॲटलीस्ट यू कंट्रोल द वेंडर्स जीएसटी हा कंपोनंट तर ठीक आहे पण त्याच्यात मुळात जी कॉस्ट आहे दॅट शुड नॉट बी अ मोर देन 1-2 रुपीज अ केजी मॅक्सिमम 2 रुपीज इन्क्लूड एव्हरीथिंग शुड यू अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह मला वाटतं महिन्याला जर समजा तुमची सोसायटी असेल 250-300 फ्लॅटची तर महिन्याला 3-4 टन आपल्याला ते कोकोपीट लागतं हो हो सर 3-4 टन घ्यायला गेलो तर कुठे गेला त्याचा खर्च 20-30 हजार रुपयाचा खर्च होत होतो Sir, one more thing that we tried in our society, which I would like to share is that
की वेन दिस कंपोस्ट जे आता येतं नो वेन इट ड्राईज आउट कम्प्लिटली ओके दॅट कंपोस्ट कॅन ऑल्सो बी यूज एज अ ड्राय कंपोस्ट ओके या सो वॉट आय वॉज ट्राईंग टू डू दॅट अगेन इज अन एक्सलंट सपोर्ट Yes, what I did in my society is, like I used to, and we get in, you know, massive amount of compost in it. Ami te sara, you know, pasravla sagikade and allowed it to dry. Okay? And it complete dry zaryanantar, we fill it in those drums and clay. And just sort of, right now, the abhi proportion kaise kiya tha, we didn't substitute the sawdust entirely. What we did was, if we were using two bags of 50 kg, like 100 kg hum log sawdust dal rahe the, so 50 kg now we put compost and 50 kg we use sawdust. So it also acts as a, you know, culture also. Because it's a compost, it has active one. Yes. The culture chi need is also reduced. Reduced. And sawdust je ahe, tachi requirement it goes to half. So now, and the end product also comes out richer. राईट राईट आणि ते जे येत आहे ना इट्स सच अ गुड क्वालिटी सर त्याच्यामध्ये वास नाही आहे अँड यू कॅन फील इट यू कॅन इफ यू पिक दॅट कंपोस्ट इन युअर हँड ना यू अंडरस्टँड की येस इट्स रिअली गुड आणि आता नाव आय एम ट्राईंग टू यु नो रिड्यूस इन्क्रीज द क्वांटिटी ऑफ कंपोस्ट अँड डिक्रीज द सॉर्टस्ट सो दॅट आय वॉन्ट टू मे आय म्हणजे दिस इज आय एम नॉट येट सक्सेसफुल इट बट आय एम ट्राईंग टू मेक इट अ सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट जिथे एक एक डिपेंडन्सी जी आहे त्याची जी ॲड ऑन सप्लायची दॅट कॅन बी रिमूव्ह So this is what with Florentia we are doing and halfway through आपण आलोय त्याच्यामध्ये आता now let's see पुढे कसं होतं याच्यात जशी टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व होईल याच्यात ट्रायल अँड एरर मेथडनी एक आपल्याला यश मिळणारच आहे पुढे जाऊन आपण इथपर्यंत आणलेलं आहे तर त्याच्यात आपल्याला इनोव्हेशन करणं खूप गरजेचं आहे आणि ते करतच राहायला लागणार राईट राईट सर पण फक्त एकच आहे की एंड प्रोडक्ट कुठे टाकायचा हा महत्वाचा प्रश्न अजून अनसॉल्व राहिलेला आप है मालूम नहीं दिख नहीं रहा हाँ तो ये जो है वो उनके कोर्ट में बॉल जाने वाला है तो इसका क्या करना और कैसे सॉल्यूशन करना दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग हर्क्यूलन टास्क इन द नेक्स्ट 5 years अनिल सर वी कैन फॉर्म अ कमिटी ना लाइक द गर्ग सर सेड कि लेट अस फॉर्म अ कमिटी एंड पुट फोर्थ एक सिटीजन पार्टिसिपेशन रेडीमेड प्लांट मिळाला बिल्डर कडनं इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळालं म्हणजे दे डोंट नीड टू स्पेंड फ्रॉम देअर पॉकेट ऑल दॅट विल बी डन बट स्टील द एंड प्रोडक्ट द क्वांटिटी विल मल्टीप्लाय सो मच that it will really become a big question maybe after 5 years today chalo today farmers need it farmers are also finding it expensive to buy fertilizers and chemicals so they are taking our products and they are finding them very very conducive also for their farming hey sudha ami malata swati yes swati येस कॅन यू हिअर मी आपण ते रत्नागिरीला वगैरे सगळीकडे पाठवलं जरा त्यांच्याबाबत जरा काहीतरी सांग की कोण कोण घेऊन जात आहे आपल्याकडनं रत्नागिरीला एक रत्नागिरीच्या जवळ त्यांनी एक फार्म आहे त्यांचा ते घेऊन गेले परंतु त्यांचं काहीतरी सामान ट्रकनी इथे पुण्यात येणार होतं म्हणून दे कुड अफोर्ड टू टेक इट ट्रान्सपोर्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम पीपल आर रेडी तिकडे टेकर्स रेडी आहे आपण इकडे गिव्हर्स तयार आहोत फक्त ते जॉईंट डॉट्स करायला ट्रान्सपोर्टचा कॉस्ट इज द बिगेस्ट डिटरंट तर तो प्रॉब्लेम हा होतो पण तरी आम्ही एका शाळेला आम्ही जिथे जिथे समाजसेवी संस्था आहेत आणि शैक्षणिक संस्था आहेत त्यांना आपण दरवेळेस आपण फ्री दिलेला आहे तर ओएसिस हॉटेलमध्ये ओएसिस जे आहे एन के रोडवर तिथे एक शाळा आहे होम स्कूलिंग त्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण आपल्याकडनं 4 टन कंपोस्ट हे त्यांच्याकडे पाठवलं होतं आणि ते अकलूज वरन सुद्धा कोणतरी शेतकरी घेऊन गेलेले आहेत ना अकलूज वर हा महेश इनामदार त्यांना पण सर इट इज बिल्डिंग ब्रिजेस येस आय थिंक नाव लाईक मला असं वाटतं की आता जसं एमसीडीसीनी हे इनिशिएटिव्ह सुरू केलंय ना कोऑप शॉपचं
ओके त्याच्यामध्ये त्यांचा हा एक प्रस्ताव होता जसं काकांनी सांगितलं देखून काकांनी की वी आर गोइंग टू यु नो वी कॅन हॅव अ टाय अप विथ द फार्मर्स अँड दे कॅन टेक अवे आर कंपोस्ट ओके हा कॅन बी वन ऑफ द मिडियम हा दिस प्रॉब्लेम शुड गेट सॉल्व्ड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे ना ते आय थिंक दिस शुड रिझॉल्व बट आय एम नॉट शुअर की हे कॉप शॉप आपण केलं तर हे होईल का इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ जो अजीत पवार सर है एडिशनल कमिश्नर है उनके साथ मीटिंग हुआ था तो उन्होंने की आप कम्पोज जितना भी आपके पास है आप सब मेरे को दे दो मैं अरेन्जमेंट करता हूँ वो लेके जाएंगे हमने तो एमसीडीसी इज वन ऑप्शन वहाँ पर भी बात हो गई है प्लस सीएमसी के साथ भी सेम मॉडल पे काम चल रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड दैट्स गुड दैट इज गुड देन प्रॉब्लम सॉल्व्ड का मतलब डायलॉग से स्टार्ट होगा ना कहीं तो सर डायलॉग से तो एक बार वो कमिट कर दे उनको बोलो जीआर पास कर दे बात खत्म हो गई ठीक है अभी हम सब एफर्ट लगा रहे हैं काका ने उसमें 5-6 फार्मर के नंबर लिए बात किए आप कुछ कहीं बात कर रहे होंगे हम भी बात कर रहे हैं देखिए मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं एक एक्सपेरिमेंट चालू है मेरे यहाँ जी जी जितने सब्जी वाले मेरे पास आ रहे हैं अभी मटेरियल लेके मैं उनका जब टेम्पो जाता हूँ एम्प्टी अगर एम्प्टी जा रहा है तो अगर उसमें सब्जी है तो फिर हम लोग एनकरेज नहीं करते जी 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 लेकिन टेम्पो अगर एम्प्टी है और टेम्पो अगर एम्प्टी रिटर्न हो रहा है तो हम लोग उसको दे देते हैं भाई तू 200-300 किलो लेके जा वो आज कितने महीनों से मेरे ख्याल से 3 महीने से तो अभी ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है बाकी जो जो फार्मर्स लेके जा रहे थे 1 साल से तो दे आर कमिंग बैक अगेन कि नहीं हमको वापस चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर का प्रोड्यूस में दे फाउंड सम इम्प्रूवमेंट दैट इज बेटर देन द केमिकल फर्टिलाइजर दैट दे आर यूजिंग दैट इज व्हाई दे आर कमिंग बैक एंड आस्किंग फॉर अस दैट्स अ गुड साइन सर हाँ तो आज मेरे पास मेरे ख्याल से ऐसा पोजीशन आ गया है कि मेरे पास कंपोस्ट नहीं है और मेरे पास कुछ लोगों को ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि वी वांट कंपोस्ट ओके जयवंत जी थैंक सर जयवंत जी खत्म हो गए गर्ग सर यू कैन टेक ओवर नहीं अभी मेरा तो खाली इतना ही है कि जो वैशाली मैडम एक कमेटी बनाने का है वो इनिशिएटिव को किरण सर और बाकी 5 मेंबर की मदद से आगे बढ़ाइए और एक मेरे को सभी लोगों ने जो आज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अगर आप एक सॉफ्ट कॉपी में मुझे एक एक आर्टिकल दे दें 5 सोसाइटी तो वो भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किरण सर को कि आप आज का सेशन को वाइंड अप करने के लिए प्लीज जरा आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स डिग्निटरीज अनिल रॉय सर फिर सुहास पटवर्धन जी फिर जितने भी अपने जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सिद्धार्थ जी उसके बाद अनिल जी सबको आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन ईच वंस ओन रिस्पेक्टिव सोसाइटीज एंड अगर मैंने किसी का नाम मिस आउट कर दिया है तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज राइट नाउ इटसेल्फ कि आई ज्वाइन द प्रोग्राम लेट एंड आई वॉज नॉट श्योर कि आगे किन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे वैशाली जी है अनिल कुमार जी है विशाल जी है स्वाति है सुबेदार काका है सिद्धार्थ नायक जी है और प्रेम जी है तो मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इनपुट्स इस सेशन में दिए हुए हैं इट वाज अ वेरी वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी और जो रिसोर्सेज ऐसे पूल होते हैं उसी में इनोवेशन और आइडियाज नए नए पैदा होते हैं विच कैन हेल्प दिस टू टेक you know to take this a long way ahead so aise interaction or its aisa interactive sessions aur bhi hone chahiye with larger participation to isme logo ke paas se bhi seekhna milega aur hum bhi unke sath kuch apne ideas aur apne innovations share kar sakenge so once again I would like to thank all of you and all the dignitaries Suhas Patwardhan ji Anil Roy sir Garg sir Jaivan ji thank you very much for conducting a very very nice program thank you and good night to all thank you and good night thank you sir thank you very much everyone good night madam good night yes